चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राण नाथ, सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा ए। श्री महामति कहे ए मोमिनो, भया चर्चा काबख, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे, महामति कहे ए मोमिनो, सुनियो मंगला चरण, अपनी बीतक देखियो सुनियो दोये श्रवण, सुनियो दोये श्रवण। सुंदर सेज स्वरूप की धामधनी, अक्षरातीत हमारे प्राण के प्रीतम, ये बीतक साहेब के घटनाक्रम का वर्णन करवा रहे हैं। कल के घटनाक्रम को जोड़ते हुए कल हमने दो प्रसंगों को मुख्यत्व प्रथम प्रारंभिक चर्चा में देखा। श्री जी 3 साल से विक्रम सन 1740 में पन्ना जी पहुंच चुके हैं। 1743 तक छत्रसाल जी को पता नहीं कि ये खाने पीने की कपड़े की ये जो सब सेवाएं 5000 सुंदर साथ की कहां से आ रही है, और कल इस प्रसंग के माध्यम से हमने सुना कि छत्रसाल जी ने क्या व्यथा व्यक्त की, क्या पश्चाताप किया कि मैं ब्रह्म सृष्टि ही नहीं हूं। मेरे को दुख इस बात का है कि मैं अपने को ब्रह्म सृष्टि मानने के लिए मैं नहीं तैयार हूं, क्योंकि मैंने अभी तक कहां पहचान की। पहचान की होती तो 3 साल से ये प्रश्न तो मेरे अंदर कभी भी पैदा ही नहीं हुआ कि सेवा कहां से आ रही है। तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि की रहनी तो कैसी होती है, उसके विचार कितने उच्च होते हैं। ऐसे अपने को कोसते रहे कुंडल। मैंने कल बताया था कि पार वतन जो सुहागनिता की नेक कहो पहचान, जो ब्रह्म सृष्टि है सुहागिन है, उसकी पहचान क्या होती है। और कल देखा हमने कि राजा राम भाई भी छत्रसाल जी को पत्र लिखते हैं,
कैसा समय कठिन आ गया कि हम भी वहां सेवा में आ जाए क्या। और इससे पहले हम एक प्रसंग को देखा था, ये भी हम जोड़ दे कि राज दरबारी और बलदीवान चाचा सहित सबके मन में एक बात ही उड़ती रहती थी कि ये लोग महात्मा लोग है तो हिंदू, लेकिन ये कुरान कतेब की क्यों चर्चा करते, क्यों ये पढ़ते हैं। तब बलदीवान चाचा उसने सुंदर वल्लभ बद्री पंडित लोग और काजी मुल्ला देश के सर्वश्रेष्ठ मोहब्बे के काजी अब्दुल रसूल को बुलाया और शास्त्रार्थ हुआ और अंतिम अब्दुल रसूल ने सिर पर कुरान रखकर सौगंध खाया कि नहीं, आखिर जमाने के खाविंद ये आखरुल साहिबुज जमा इमाम मेहंदी है। और सुंदर वल्लभ बद्री भले मिले कली के माही, 14 विद्या निपुण है लेकिन एक को जानत नाही। हमने कल देखा कि बद्री को छत्रसाल जी के सामने भागवत के प्रश्न को लेकर जब आगे चर्चा हुई तो एक प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाए क्योंकि बिचारे कर्मकांडी ब्राह्मण याज्ञिक ब्राह्मण निराकार से आगे का ज्ञान ही नहीं रखते, कैसे दे पाते। धामधनी ने क्या बताया, सुंदर वल्लभ बद्री भले मिले कल के माहे, कलयुग के माहे 14 विद्या, 4 वेद, 6 शास्त्र, 10 और 4 में ज्योतिष व्याकरण, 4 में ज्योतिष व्याकरण आयुर्वेद, ये 4 मिलकर 14 विद्या तो जानते हैं लेकिन एक परमात्मा को नहीं जान पाए। क्या बोला कि अरे ये तो परमात्मा के सिवा कोई जवाब नहीं दे सकता। और अंतिम जब श्री जी शेहुड़े कालपीराठ जलालपुर खड़ोत जब इधर की ओर लड़ाई के लिए गए और कालपी के वहाँ आसपास के काजी मुल्लाओं के साथ भी जब कतेब परंपरा पर चर्चा हुई, कतेब ग्रंथों पर, तब वो काजी लोगों ने भी मेहजर नामा लिख के क्या कहा कि ये आखिर जमाने के खाविंद है। ये मेहजर नामा भी औरंगजेब बादशाह तक भी पहुंचे, वो भी अपने सत्ता पद अहंकार लोभ और भय के कारण उसने भी स्वीकार नहीं किया। और उसके आगे हमने शुक्राना धन्यवाद आभार, राज्य को कैसे ब्रह्मात्माओं ने धन्यवाद दिया कि हे धनी, आपने अपनी नजर छत्र साया के नीचे पल पल रखा, चाहे कोई भी औरंगजेब बादशाह के सेनापति कोई भी व्यक्ति आए लेकिन उसी के सामने हमारी विजय हुई। ये सब पराजित होके लज्जित होके शर्मिंदे होके भाग गए। और आखिर हमने मंगलाचरण सुना, चौपाई में देखा कि महामती कहे ये मोमिनो ये सुनियो मंगलाचरण। और आगे अपनी भी तक देखियो, श्री महामती जी कहते के हे मेरे प्राणधार सुंदर साथ जी, आपने अब कल
प्रियतम अक्षरातीत की चरणों की कृपा से मंगलाचरण सुना। कैसे सुना? अपने आत्मा के कानों से सुना और आत्मा के नेत्रों से इस लीला को देखा। आत्मा के कानों से सुना और आत्मा के आत्मिक चक्षु से हमने इस लीला को देखा। और आगे हमारी जो बीतक, क्या बीतक? अष्टपहर, आठ पहर, दिन के चार और रात्रि के चार। कैसे? एक पहर आठ घड़ी, एक घड़ी 22.5 मिनट, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पहला पहर, 9 बजे से 12 बजे तक दूसरा, 12 से 3 तीसरा, 3 से 6 चौथा पहर। ये दिन के चार पहर, और रात्रि के 6 से 9 बजे तक पांचवा, 9 से 12 बजे तक छठा, 12 से 3 बजे तक सातवां, और 3 से 6 बजे तक प्रातः ब्रह्म मुहूर्त, ये आठवां प्रहर। ये आठ पहर दिन 64 घड़िया कैसे निस दिन पियू पियू राज राज धाम धनी खसम खसम तू ही तू प्रीतम प्रीतम बालाजी बालाजी। और आठ पहर किसे एक एक पहर में अलग अलग सुंदर साथ ने, ऐसा नहीं सब पहर में भी कहीं सुंदर साथ रहे। अक्षरातीत प्राण वल्लभ की पूर्ण पहचान कर कर, कैसे कि यही अक्षरातीत है, यही धनी श्री धाम, यही मोहम्मद मेहंदी है, यही पूरे मनोरथ काम। अक्षरातीत के स्वरूप में पूर्ण पहचान करके आठों पहर कैसे रिझाया, ये लीला को हम आगे प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सुबह प्रातः काल 6 बजे से 9 बजे तक का पहला पहर हम आगे सुने। सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर, तिनकी सिफत इन जुबा क्यों कर कहो जहूर। अक्षरातीत श्री प्राण वल्लभ, श्री प्राण प्रीतम की सैया, प्राणधार सुंदर साथ जी, पहले जाड़े की ऋतु, सर्दी की ऋतु में क्या क्या ब्रह्मात्माएं हम सब सुंदर साथ ने धाम धनी की सेवा की है। तो पहले सर्दी की ऋतु से शुरू हो रही, अंतिम जब समा अंतिम प्रकरण में गर्मी की ऋतु की सेवा भी आएगी। यहां बताया कि अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की सैया अति सुंदर, कितनी प्यारी, कितनी नूरमय, आभामय है। महामती जी क्या कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, इस नस्वर तन जूठी जुबा मैं कैसे वर्णन करो, तो भी कुछ भी ना कहूं, इससे तो कुछ कहना भला कि मेरा साथ कैसे पार पहुंचेगा। मैं जो थोड़ा कुछ भी वर्णन नहीं करूंगा तो मेरा साथ कैसे पार पहुंचेगा, कैसे इस लीला में डूबेगा। ये ज्ञान, ये वर्णन के माध्यम से तो सुंदर साथ इस लीला में डूबेंगे, बाकी तो परम धाम के नूरी तन, नूरी जुबान रसना से ये वर्णन हो सकता है। अत प्यारा लाल पलंग पचरंगी मिही भर,
सेजिया लाल रंग की बहुत ही प्यारी लग रही है और पांच रंगों वाली पतली निवार से बुनी गई है, पतली निवार से बुना हुआ है और सेजिया को संवारने में, सजाने में जो सुंदर साथ सेवा करते हैं, हम प्रथम ही सुंदर साथ का नाम सुनने के लिए अभी प्रारंभ कर रहे सुंदर साथ जी इस चर्चा को, तो आप ध्यान से सुनिए। इन सुंदर साथ का नाम सुनते ही हमारा अंतस्करण पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। इतना नहीं, ये सुनने से हमारी सुरता परम धाम में विचरण करने लगेगी, क्योंकि जिन सुंदर साथ का नाम सुनने के लिए जा रहे हैं वो सुंदर साथ इत ही बैठे, यहाँ बैठे बैठे परम धाम की संपूर्ण शोभा को निहारा, यहाँ बैठे बैठे उस शोभा में डूबे। कहाँ? बंगला जी दरबार में बैठे बैठे। तो इस सेजिया को सजाने की सेवा कौन करते हैं और कितनी प्रीति स्नेह। जैसे एक सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश बहुत गर्म होता है, लेकिन सूर्य में से थोड़ा कुछ प्रकाश चंद्रमा के अंदर परिवर्तित हो जाता है तो चंद्रमा कैसे शीतल प्रकाश देता है, वैसे ही धाम धनी का अनंत प्रेम, अनंत आनंद, जब ये आनंद और प्रेम से भरी हुई सेजिया को सजाने में सुंदर साथ जब सेवा करते हैं, तब उस सेवा के समान कछु नहीं। दिल होए करे संकुल, दिल होवे संकुल, इन सेवा के समान कोई चीज नहीं। ऐसा सुंदर साथ ने मान लिया कि अरे धनी, आपकी एक पल की सेवा, कलम ने सुना था कि एक पल की सेवा यहाँ धाम धनी की जिस सुंदर साथ ने कर ली ने, उसी के बराबरी करोड़ों वैकुंठ के सुख भी। ये तो मैं सिर्फ बस आपको एक उदाहरण के रूप में बता रही हूँ और धामधनी ने वाणी में भी बताया है, लेकिन उसी के बराबरी ये तो सपने का सुख है, ये तो नश्वर है, कुछ है ही नहीं उसका अस्तित्व, जो है नहीं उसको कैसे कहा जाए। एक तुल का आंख, उसका तो कुछ वजन ही होता है, लेकिन ये संसार का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो क्या कैसे उसके उदाहरण से समझाया जाए। धाम धनी ने यहां क्या बताया कि ये 14 लोक का सुख के अंदर मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, लेकिन परम धाम की जो अष्टपहर की सेवा, ये यहाँ जो सुंदर साथ जी बंगला जी दरबार में सेवा कर रहे, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और उसमें सुंदर साथ के नाम बताए जो प्रेम और प्रीति से सेवा करते हैं, वो सुंदर साथ कौन है? प्रेमदास और द्वारका दास करते हैं। सैया पर बहुत ही कोमल गद्दा भी बिछा के रखा है, जिसके ऊपर कोमल और पतली चद्दर भी बिछाई हुई है और सिर की तरफ अति सुंदर गाल मसूरिए, क्योंकि श्री जी जब सोए ने तब अपने गाल के नीचे ये हाथ को ना रखना पड़े, इसलिए गाल के नीचे छोटी छोटी कोमल एक गाल मसूरिए बनाए हैं। तो ये सेवा में सुंदर साथ कितना प्रेम भरा दिल से वो सेवा करते हैं। और आगे चादर के अंदर जो चादर बिछाई है उसी के अंदर सिलवट ना पड़े, तो चारों कोनों को
कैसे नीचे पलंग के साथ बांध दिया है और वहां फुंदन भी लटक रहे हैं और उसमें से भी कितनी प्रकाश मई किरणें निकल रही है, कितनी तरंगे निकल रही है। हे सुंदर साथ जी, तुम बंगला जी दरबार में इस श्री जी की जो सेज बिछी है उसका जो वर्णन हो रहा है, आप उस शोभा में डूबिए। और आगे जो ऋतु होती, मान लो शीत ऋतु होती तो रजाई कंबल ओढ़ने के लिए, और गर्मी की ऋतु होती तो पतले महीन चादर ओढ़ाई जाती, कपड़े ओढ़ाए जाते पतले श्री जी को। तो यहाँ बताया कि मौसम के अनुसार एक चादर रजाई की, क्योंकि सर्दी की ऋतु है ना अभी जाड़े की, तो वहाँ ये भी व्यवस्था की गई है। और पलंग के चारों ओर चमकते हुए डांडे कितने सुंदर लग रहे हैं, उनके ऊपर एक छतरी भी आई है। तो सुंदर साथ जी, ये श्री जी के जो पलंग बिछाए हैं, हमारे मोमिनों ने सुंदर साथ में साथ ने दिल में पूरा प्रेम भरकर, तो इस शोभा को आप देखिए। और पर्दे के किनार पर झालर लगी है, श्री प्राणनाथ जी की सैया की सामग्रिया की तो कोई सीमा ही नहीं है। और सुंदर साथ इतने सावधान होकर कि मेरे धनी की सेवा है, जो दिल में भाव नहीं होता ना सुंदर साथ जी, तो कोई सेवा हो ही नहीं पाती। यहाँ सुंदर साथ ने पहचान कर ली है, पहचान के बाद तो समर्पण आता है, तभी तो उसी के बाद कुर्बानी आती है। तो यहाँ क्या बताया कि कैसे सेज की सेवा करते हैं। और श्री जी के पलंग पर बिस्तर बिछाने की और उठाने की सेवा कौन करते हैं? नारायण दास और हरिनंदन। और सिर्फ बिछाने की सेवा मैंने अभी बताया कि प्रेमदास और द्वारिका दास करते थे, और उसके बाद कई बार मथुरा दास ने करी, गंगा दास ने भी करी ये सेवा, परमानंद ने भी करी। ऐसे सुंदर सा जी बहुत से सुंदर साथ ये सेवा में भाग ले रहे हैं, क्योंकि ये सेवा यहाँ मिली है, परमधाम में मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सब इच्छा है चारी है। जैसे हम इच्छा करेंगे वैसा ही सुख वहाँ एक पल में हमको प्राप्त हो जाता है। वहाँ हर क्षण अंदर अभी तो विचार ही नहीं उठा है, इससे पहले वहाँ तो सब चीज़ें हाजिर हो जाती है। तो ये सेवा वहाँ थोड़ी करने की कोई ज़रूरत है, यहाँ सुंदर साथ बंगला जी दरबार में कर रहे हैं। और आगे मानिक भाई बहुत प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? हर प्रकार की, एक नहीं कि चलो सैया बिछाने की सेवा करनी है तो ये कर ली, दूसरी नहीं। या मानिक भाई हर प्रकार की सेवा करते, और सेवा करने के बाद धाम धनी के सन्मुख नेत्रों से नेत्र मिलाकर उपस्थित रहते हैं कि कभी भी मेरे धनी कोई सेवा सौंप दे और मेरी अनुपस्थिति हो, उपस्थिति न हो, तो मेरी सेवा भंग हो जाएगी, मेरी सेवा कलंकित, मेरा प्रेमी कलंकित हो जाएगा। तो सुंदर सा जी, इस सेवा से क्या सीख लेनी चाहिए हम भी, राज जी की और सुंदर साथ की कैसे सेवा करें, कैसे सेवा करें। और यहां सेवा किस भाव से हो रही है? एक आशिक मासुक की कैसे सेवा करते हैं, एक मासुक आशिक की। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुंदर साथी श्री जी की एक स्वरूप नी पहचान, स्वरूप की पहचान कर कर जो करने लगे ये सेवा सब प्रकार की, लेकिन राज्य भी रूह को ऐसे ही रिझाते हैं। कैसे? कि मेरी अर्धांगिनी, मेरी आत्माएं है, मेरी लाडली है, लाडलिया लाहुत की, जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी, जाकी सिफत करे
सुभान, तो राज्जी भी, क्योंकि एक एकांत, एक खिलवत बन गई ने, क्या बंगला जी दरबार पूरा मूल मिलावा बन चुका है, खिलवत बन चुका है, कि जहां श्री राज जी, श्यामा जी और सखियों के सिवा और तो कोई किसी का वासी नहीं है। भले जीव सृष्टि है वहां, ईश्वरी है, लेकिन जितना ब्रह्म सृष्टि, जितना ब्रह्म सृष्टि ये सुख ले पाएगी और राज्जी के प्रेम में डूब पाएगी और आनंद में भाव विभोर हो जाएगी, ये जीव सृष्टि कर्म कांडी ये कर पाएगे नहीं। उसके कानों में इतनी ताकत, इतना सामर्थ्य नहीं है कि वर्णन होता होगा ने, तभी भी वो वहां से चली जाएगी। तो यहां राज्जी भी सामने से इतना ही रिझा रहे जितनी रूहे राज्जी को रिझा रही है। वहां सुंदरता जी कोई भेद ही नहीं है, परमधाम की साक्षात लीला, जैसे परमधाम में अष्टपहर, वहां कोई समय नहीं है, परमधाम में कोई समय नहीं है, लेकिन यहां के हिसाब से अष्टपहर का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में किया गया है, तो उसी के हिसाब से जैसे परमधाम में हम रूहे सेवा करती थी राज्जी की, ऐसी सेवा, ऐसे स्वरूप की पहचान करके यहां रूहे रिझा रही है। और आगे बताया कि छबील दास ये जमुना बाई का पुत्र है। जमुना बाई कौन थी? बिहारी जी महाराज की बहन थी। उसका पुत्र, जमुना बाई का पुत्र छबील दास यहां पानी पिलाने की सेवा करते हैं। और पहले जमुना बाई पिलाती थी, फिर उसकी वारसी, वारिस पानी पिलाने का किसको बनाया? अपने पुत्र छबील दास को। जैसे ही रात्रि व्यतीत होने के बाद दो घड़ी समय बाकी रहता, तब 5:15 बजे, कितने बजे? 5:15 बजे, उसी समय जब प्रियतम, हमारे प्राण के प्रीतम प्राणनाथ पलंग से जब उठते हैं, तो उसी समय, उससे पहले, देखो हम तो सेवा करते तो कैसे करते, यहाँ कोई नहीं आए होते तो 2 बार चक्कर लगा के फिर चले जाते, ठीक है, फिर थोड़ी देर कमरे में लेट भी लेते कि कोई है नहीं, चलो पंडाल में, ऐसे हमारे दिल में भाव नहीं आते कि चलो कोई बिछाने की सेवा है और कोई सेवा सफाई की है, या जो सेवा यहाँ फूल की लगी रहती है या चंदन की होती है या भोग की, तो उससे पहले हम पूर्व तैयारियां कर ले। तो यहाँ क्या बताया कि श्री जी उठते, उससे पहले वहां जल पिलाने के लिए छबील दासी हाजिर ही रहते थे। और फिर धाम धनी ने समय, थोड़े समय के बाद रीच के ये पानी पिलाने की सेवा पूर्वाही को दी। और रात्रि के अंतिम भाग में जब पूर्वाही भी ये लोटे भरकर श्री जी को जल पिलाने के लिए आती थी। और प्रांत काल जब श्री जी उठते थे ने सुंदर साथ जी, तब चरण दबाने की सेवा कौन करते थे? एक एक सुंदर साथ का नाम सुनिए, आज अगरदास और गुलजी भाई करते थे। कौन करते थे? अगरदास और गुलजी। और कोई कोई बार मावजी भाई भी, कहाँ के रहने वाले? मस्कत बंदर में, जिसको श्री जी ने क्या मारा था? हाँ, चाटा मारा था, ठीक है, चाटा मारा था। और ये तो जाहिरी चाटा था, उसी को सपने के अंदर ऐसा लगा कि अरे वैसे तो जाहिरी था, लेकिन सुंदर साथ जी हमने तभी बातूनी भाव भी समझे थे कि हमको भी धनी कई बार वचनों के रूप से चाटा, खंडनी के वचनों से, कठोर वचनों से, या कोई कोई रूप में कई बार चाटे मारे होंगे। क्या हमारी आत्म जागृत हुई? क्या इस राह पर चल पड़ी? यही माऊजी बाई है जिसने चरण दबाने की सेवा अपने हाथ में ली है।
और आगे धाम धनी के चरण दबाने की सेवा सिर्फ पुरुष सुंदर साथ नहीं करते थे, अरे महिला स्वरूप दे सुंदर साथ भी करते थे। देखो रामबाई भी श्री जी के चरण दबाने की सेवा करती थी। और कोई दिन खेमदास जी भी रात्रि बीतने से कुछ पहले आया जाया करते थे कि चलो मेरे को भी थोड़ा समय मिल जाए, कोई सेवा तो करते ही होगे वहां, जो जो सुंदर साथ को दी है, दी नहीं उसने रीज के ली है, रात धाम धनी को रीजा के ले लिए के धनी वो तो कितने दिनों से कर रहे हैं, चलो मेरे को दे दो, चलो धनी मेरे को सेवा दे दो। और हम स्वामी जी की चर्चा में भी कई बार सुनते हैं, और आज मैं भी बताऊं कि सुंदर साथी और आपके आसपास ही उसके बहुत आश्रम भी बने हैं, किसके, राधा स्वामी मत के, ठीक है, उसी के अंदर देखिए आप सेवा का क्या भाव है। इतने बड़े बड़े लोग, धनवान रिच और बड़े पद पर बैठने वाले लोग, ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठने वाले लोग कैसे सेवा करते हैं, झाड़ू लगाने की और सफाई की। और गोल्डन टेम्पल कहाँ, अमृतसर, वहाँ भी धनी धनी लोग जूते साफ करने की तक की भी वहाँ सेवा करते हैं। सुंदरसा जी हमारे समाज में अभी ये सेवा का भाव ऐसा कहीं भी अभी दिखाई नहीं देता है। देखो आज कितने मत पंथ है, ये हमको प्रेरणा स्तोत्र के रूप में बता रहे कि देखो सेवा किसको कहते हैं। और सेवा का भाव तो धाम धनी ने हमको व्रज में भी बता दिया कि प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी व्रज तणी, वहां भी प्रेम से सखिया वाला जी की कैसे सेवा करती थी। तो हमारी सेवा तो कैसे तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार, मुक्ति सेवा तूने शू कहो तू अंतर आडो टाड़, अनेक विध सेवा तनी तूने उपज से तत्काल। तो यहाँ सेवा का भाव। और प्रियतम अक्षरातीत जब अरुण उदय, जब सूर्य उगने में, उगने के समय, जब सूर्य उगने के समय पूरे आकाश में जो लालिमा छाई जाती है, उसी समय श्री जी पलंग से जब उठते हैं, तब सेवा करने वाले सुंदर साथ उससे पहले वहां उपस्थित रहते हैं। और सब अंदर एक दिल में भाव भरकर वहां खड़े रहते हैं कि चलो अपनी अपनी सेवा, जो सबको अपनी अपनी जो सेवा है, ये बस सेवा को प्रारंभ करना है, तो पहले ही वहां उपस्थित हो जाते थे। और इसी समय, ये सर्दी की ऋतु है ना, तो बिहारी दास अंगीठी, एक छोटी सी सगड़ी की जो अंगीठी आती उसमें कोयले से और एक आग तपाई जाती थी, वो अंगीठी लेके कौन आते थे, बिहारी दास, और आके श्री जी को आग में तपाते थे, क्योंकि पूरी रात इतनी ठंड थी। तो श्री जी उठे है और उम्र भी सुंदर साथ जी 65 से अप हो गई है, 17 की अंदर की है। तब श्री जी को जो वस्त्र पहने और अंग अंग में ऐसे कपड़े से लेकर अंगीठी में रखते थे, वहां से कपड़े गर्म हो जाते थे, फिर श्री जी को तपाते थे। कैसे दिल में भाव कि अरे साक्षात मेरे ये धाम के धनी है, मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता था। हम तो यहाँ कदाचित इसी समय राज्य कोई तन में साक्षात लीला कर रहे आवेश स्वरूप से, तो हम वजूद को देखकर अंदर संशय भी पैदा होते और ये भाव भी नहीं बनते कि अरे ऐसे हमारे जैसे वजूद वाले एक सामान्य आदमी है, व्यक्ति है, ये थोड़ी साक्षात अक्षरातीत कहे जाते, ऐसा हमारे अंदर संशय भी पैदा हो जाता। ये भी श्री जी है जिसने भी 5 तत्व के ये तन धारण किए थे, उसी के अंदर ये तन के अंदर
अक्षरातीत का आवेश आया था और उसी समय सुंदर साथ ने अक्षरातीत के स्वरूप में पहचान कर कैसे सेवा की है और इसी समय की ये विशेष सेवा बिहारी दास जी की रहती थी। और बिहारी दास जैसे ही अंगीठी लेके आते तो रतनबाई, कौन रतनबाई, गुनगुने जल में भिगो के रुमाल लेकर आती थी और प्राणनाथ जी को नेत्रों को पोंछने के लिए देती थी, वो भी शुद्ध हृदय और प्रेम से कैसे सेवा करती थी। देखो महिला सुंदर साथ भी, क्यों ना, कोई स्त्री और पुरुष के भेद ही नहीं है, कोई अंदर ऐसे अवगुण के विकार ही नहीं है, सब ऊपर उठ चुके हैं कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, इस विकार से इस अवगुणों से ऊपर उठ गए हैं। और आगे जब सुबह का समय है ना, हम सेवा को देखो, उठे श्री जी, बाद में क्या किया, जल पिलाया, ठीक है, आगे हम सेवा देखते जा रहे हैं ध्यान से। और सुबह जब उठे तो आगे इस समय क्या होता है, ताराबाई धनजी भाई, ताराबाई धनजी भाई और कन्नड़ भाई, ये सब क्या बोलते हैं, उठो तो सब प्रातः काल का त्रिजी भोमा की जो पड़साल ठोर बड़े दरवाजे विशाल धनी आवत है उठी प्रात वनसी चत अमृत अघात पशु पक्षी के मुजरा लेवे सुख नजरो सबो अंग देवे पीछे बैठे करे सिनगार सखिया करा वे मनुहार। क्या बोल धनजी भाई, कन्नड़ गंगाराम ताराबाई ने त्रिजी भोम की जो पड़साल, हे सुंदर साजी, सुबह प्रातः काल जब भोग बोला जाता था उसी समय क्या बताया कि त्रिजी भोम की परसाल पहली मंजिल नहीं, दूसरी नहीं, और तीसरी मंजिल में जो दस भाई का एक जरोखा बना है और जरोखा से आगे देहलान, देहलान से आगे चबूतरा, तो उसी पर धामधनी तीसरी भोम के आगे जरोखे के दीवार से बीच में राजजी श्यामा जी युगल स्वरूप खड़े हो जाते हैं। आसपास में 6,000 सखियां खड़ी हो जाती है और ऊपर गजगा है, राजजी ऐसे पकड़ के खड़े रहते हैं और नीचे वनों को प्रेममय अमृतमय नजर से सिंचन करते हैं, पशु पक्षियों को भी प्रेममय नजर से दर्शन देते हैं। बाद में हमारा सिंगार बाल भोग होता है। तो सुबह जब ये गा रहे ने तब बोले कि सुंदर साथ जी, तुम्हारी सुरता को तुम त्रिजी भोम में लेकर चलो। हमारी त्रिजी भोम में कितने पहर की लीला होती थी, सुबह 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 3, 3 पहर तक की, कितने पहर तक की, 3 पहर तक तक की वहाँ लीला होती थी। तुम एक एक लीला में हर पल हर क्षण, भले इस नश्वर संसार में कोई भी लीला में हो, कोई भी काम कार्य में हो, कहीं भी विचरण करते हो, लेकिन आपकी सुरता पल पल परम धाम की लीला में होनी चाहिए। मान लो अभी 5 बजे है, ठीक है, तो 5 बजे शुक्ल पक्ष होता,
या कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में हमारी 5:15 बजे जब एक घड़ी में जिन्ना, एक घड़ी में सिंगार होता, वो शुक्ल पक्ष होता, तो वहाँ वनों में कोई भी लीला स्थान में हमारी लीला होती रहती है कोई भी पक्ष में, और कृष्ण पक्ष होता तो 6 बजे हम फिर हमारे घर रंगमहल वापस आ जाते हैं। तो एक एक लीला को याद करो कि 5 बजे हम कहाँ होते। तो यहाँ धामधनी ने क्या बताया कि तुम सुबह की लीला को याद करो तो तीसरी भूमि में चले जाओ, 3 पहर तक तुम तीसरी भूमि में रहो। क्या बताया? 3 पहर तक भले यहाँ कोई भी काम करते हो लेकिन अपना अपनी सुरता तो मन लीला में ही रखो। प्रतिदिन ये चारों सुंदर 7 वाणी का गायन करते हैं और धाम धनी को रिझाते हैं। फिर धाम धनी को आगे वस्त्र पहनाने की सेवा कौन करते हैं? ये प्रेमदास ही किया करते थे। उसके साथ रामचंद्र भी रहते थे, नंदराम जी भी रहते थे, और आखिर ये वस्त्र की सेवा वल्लभ दास जी ने भी की। और कैसे सुंदर साथ, चाहे कोई भी वस्त्र पहनाने की हो, जल पिलाने की हो, चरण दबाने की हो, या गाने की हो, या आगे कोई भी सेवा आएगी, एक एक सेवा में सुंदर साथ कैसे प्रेम में डूबकर ये सेवा कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, हम भी हमारे घर में राज्य की सेवा कैसे डूबकर करेंगे? भले हम हमारे निज मंदिर में छोटे से मंदिर के सामने खड़े हैं लेकिन भाव क्या लेंगे? परम धाम वाला, वहाँ वाला भाव लेके हम सेवा करेंगे। और ऐसा नहीं कि सेवा हम हमारे घर के मंदिर के सामने करें और हमारा मन थोड़ी देर रसोई घर में चला जाए, थोड़ी देर और घर में झाड़ू पोछा में चला जाए, थोड़ी देर बाजार में चला जाए, थोड़ी देर रिश्तेदारों में चला जाए, ऐसी सेवा नहीं। सेवा तो ऐसे होती है जो ही सुंदर साथ आज हमको 3 दिन लगातार बताते रहेंगे कि कैसे धाम के धनी की सेवा करनी चाहिए। और आगे बिहारी दास भी जब ठंडी की ऋतु होती तब श्री जी को तो तपाते, लेकिन ये श्री जी का जो कपड़े पहनने का होता ने, वो कपड़े को भी तपाकर फिर ये प्रेमदास जी को, ये सब वल्लभ दास जी को देते कि अब मैंने तपा दिया है क्योंकि सर्दी की ऋतु है, श्री जी को ठंडा कपड़ा नहीं पहनाना चाहिए, तो ऐसे गर्म करके श्री जी को पहनाते थे। और आगे जब सर्दी की ऋतु थी तो श्री जी पायजामा सुथनी पहनते थे और सिर पर गोटा और कंधप्पी पहनते थे। और सुंदर साथ कितना सावधानी पूर्वक पूरे मन से पहनाते थे, कैसे धारण करते थे, और ये कौन पहनाते थे? सुंदर साथ जी, ये आगे धामधनी हमको बताएंगे कि धामधनी के चरणों में जब मोजे पहनने की सेवा है, वो भी प्रेमदास जी पूरा मन से दिल लगाकर पहनाते थे और राज जी को रिझाते थे। और वल्लभ दास जी भी कितनी श्रद्धा और निष्ठा से उसके साथ रहकर सेवा करते थे। और श्री जी कभी कभी कुर्ता भी धारण करते थे और कुर्ता के अंदर सोने चांदी के तारों से जो नक्शीकारी कसीदाकारी कई वेल फूल बूटियों से की हुई है ऐसा, और कई चित्र अंकित किए हुए इस कुर्ते के अंदर ये श्री जी पहनते थे। और गरम 2 ऊनी साल भी और ओढ़ते थे श्री जी। कौन? धामधनी की सेवा करने वाले सुंदर साथ धामधनी को 2 साले भी ओढ़ाते थे, और हमने पायजामा भी देखा और कुर्ता भी श्री जी पहनते थे। और आगे श्री जी का श्रृंगार के समय प्रेमदास जी के वस्त्र की सेवा रहती थी। इस कार्य में लालदास जी भी सम्मिलित रहते थे। कौन?
लालदासी, सुंदर सा जी लालदासी की सेवा आप अंतिम अष्ट पहर तक देखते रहेंगे। लालदासी क्या सेवा करते, जब वस्त्र पहन लेते थे ने, तब वो जो यहां जामे के कुर्ते के आगे कस होती डोरी, तो ये जो रस्सी होती डोरी होती ने, ये बांधने का काम कौन करते थे? लालदासी। और कई बार लालदासी कोई सेवा में व्यस्त हो गए और नहीं पहुंच पाए, तो उसी समय उसकी पत्नी लालबाई श्री जी की कस बांधती थी। सुंदर सा जी लालबाई का सौभाग्य देखो, उसी समय इन महिला सुंदर सात का सौभाग्य देखो कि श्री जी के जामे की कुर्ते की कस बांधने की सेवा लालबाई को धनी ने रिज के दी है और ये लालबाई ये सेवा कर रही है। और आगे महाराजा छत्रसाल जी इतने समय में पहुंच जाते थे तो अपने हाथों से, क्योंकि वो खासल खास अमीर रूल कहा गया ने, तो आके वो श्रृंगार के रूप में क्या करते थे, वो आके वो श्रृंगार कराने लगते थे और साक्षात धाम धनी को अक्षरातीत मानकर कैसी प्रेम के भावों से सेवा करते हैं। और उसी के बाद जब श्री जी अपनी देह क्रिया के लिए जाते हैं तो शौचालय सामने ही रहता था थोड़े दूर बंगला जी के आसपास में, तो वहाँ शौचालय के जगह पर सेत खाने की जगह पर वल्लभ भाई जीवी प्रेम भाई ये सब सेत खाने में, तभी हमारे जैसा अभी की वर्तमान में जो शौचालय है सीमेंट का अभी का जो बना हुआ है ऐसा वाला तभी नहीं था, आज से 400 साल पूर्व सुंदरसा जी, आज 400 साल पूर्व ये कपड़े चारों ओर चंद्रवा के रूप में बांधे जाते थे, तो यहाँ ये हमारे महिला सुंदर साथ भी सेवा करते हैं। और प्रातः काल जब सुबह का समय रहता था श्री जी हरिवंश भाई का घर सामने थे वहाँ पधारते थे, उसी समय लालबाई धाम धनी के लिए पावड़े बिछाने की सेवा करती थी। जब हरिवंश भाई के घर श्री जी देह क्या के ले जाते थे और शौचालय की व्यवस्था घनश्याम भी किया करते, पहले हरिवंश भाई के पास रहती थी, बाद में ये सेवा किसने ले ली? घनश्याम भाई ने ले ली। और इस सेवा को जरा भी नानप, मतलब कि ये तो इतनी नीची सेवा है, इतनी हल्की सेवा है, चलो मैं क्यों करूं, ऐसा अंदर कोई भी भाव नहीं, बस उधर की ओर तो ध्यान ही नहीं था आपके मन के अंदर, बस मेरे धाम धनी की सेवा है, पीछे मोड़कर नहीं देखते थे, पूरा भाव से वो सेवा करने लगते थे। और चरण कमल ने खड़ाव पहनाने की सेवा पहले नारायणदासी किया करते थे, बाद में मोहन जी ने भी ये सेवा की, पुनः धाम धनी अधिक प्रसन्न होकर वल्लभ दासी को कुछ दिनों तक ये सेवा दी। वैसे सब सुंदर साथ मिलके ये धाम धनी की सेवा करते हैं। और पावड़े बिछाने की सेवा, और सिर्फ लालबाई एक नहीं, बकाई बाई किशनी बाई ये भी पावड़े बिछाने की सेवा करती थी, कि कैसे कि जैसे मेरे श्री जी बंगला जी में से उठकर निकले तब तो उससे पहले पावड़े तैयार हो जाते थे, तत्पर रहती थी और अंदर इतनी तल्लीनता बनी रहती थी अंदर से, बस जल्दी मेरे श्री जी आए, मैं कब मेरे श्री जी को पावड़ा बिछाऊ, उसी पर वो चले, देखो सेवा का भाव। और वो जब श्री जी शौचालय के पास पहुंचते थे वहां, तब शिवराम भाई सुंदर साथ है, वहां पानी का लोटा, क्योंकि जो सेत खाना बना है वो कपड़े वाला पूरा चंद्रवा के रूप में बना है, तो वहां पानी का लोटा भी शिवराम भाई आगे रख देते थे, प्रातः और शाम दोनों टाइम पूरी निष्ठा के साथ ये अपनी सेवा निभाते थे, भले छोटी सी छोटी सेवा हो, लेकिन सुंदर सा जी क्या मानते थे कि अरे
मैं ये सेवा करके इत भी धन धन उत भी धन धन मैं निहाल हो जाऊंगा, मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। ये सुंदर साथ ऐसे ही निष्ठा के साथ सेवा में लगे हैं। और सामे बंगला जी के चारों दिशाओं में जो हमारा दरवाजा बना है ना, ये दरवाजे से बाहर इधर की ओर निकले तो पलाश का वृक्ष था, एक पेड़ था, उसी के नीचे हरिवंश और देव की बहन का घर था। और वहाँ वो गरम गरम मटुके, अभी के तरह पतीले नहीं, वो गरम गरम मिट्टी के मटके के अंदर गरम पानी किया जाता था। और सुंदर साथ भी 5,000 की जमात के लिए कि ठंडी की ये जाड़े की ऋतु है, कोई ठंडे पानी से नहा लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। चलो हम ऐसे करें कि गरम गरम पानी के मटके भी रखे तैयार करके सुंदर साथ आए, जल्दी से उसको सेवा में दे दे। देखो श्री जी की सिर्फ सेवा नहीं, सुंदर साथ की सेवा में भी कैसे पूरी निष्ठा और भाव से कर रहे हैं। और आगे गुनगुने जल बड़े बड़े मटके में रहा करता था। और सुंदर साथ के लिए इतना नहीं, एक सुराही, एक ऐसा बर्तन था, सुराही मतलब एक टोटी जैसा पानी वाला एक बर्तन, टोटी वाला एक बर्तन था, जैसे पानी निकल कर जैसे सुंदर साथ को मुंह या आँख में या मुंह धोने में जब कोई पानी लेना होता तो इस सुराही वाला टोटी के बर्तन से वो ले लेते थे। और श्री जी के लिए भी दातुन ऐसे जल पात्र की सेवा में उपस्थित सुंदर साथ रहते थे। और ये सेवा कुछ दिनों तक तो गुल मोहम्मद और दौलत खान पठान ने करी। और वैसे प्रतिदिन सुंदर साथ से पूरी आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक सेवा करते रहे। और इतना नहीं, जब श्री जी अपना देह क्रिया के बाद जब फिर बंगला जी की ओर चलते थे तो रास्ते में शेख बदल भाई, ये कौन है जो 12 मोमिन, मैंने बताया था ना तब 6 दिल्ली के सुंदर साथ थे 12 मोमिन में, उसमें 4 हिंदू और 2 मुस्लिम, उसमें एक शेख बदल भाई एक मुल्ला कायम था। तो ये शेख बदल भाई सूरजमुखी जो सूर्य का फ्लावर होता ना फूल, वो लेकर श्री जी के ऊपर रखते थे, खड़े रखते थे सूर्य के सामने, हमेशा सूरजमुखी का फूलों को रखते थे। और श्री जी को धूप न लगे, किस लिए श्री जी को धूप न लगे, ऐसी शेख बदल भाई बहुत पूरी भावना से सेवा करते थे। और प्रातःकाल सुबह सुबह अमोला और प्रभावती, कौन देखो, महिला सुंदर साथ फिर पुरुष सुंदर साथ, महिला सुंदर साथ फिर कोई भेद ही नहीं है, सब लग जाए। हम तो क्या सोचते कि चलो ये पुरुष सुंदर साथ या बच्चे कर रहे हैं ये हमारा महिला का काम नहीं है, ये चलो ना हम तो यहाँ बैठे तो भले बैठा रहे, यहाँ ऐसा नहीं, बस सेवा देखी नहीं दौड़े नहीं, सेवा बस राज जी ने अंदर सीधे अंतस्करण में प्रेरणा हुई कि नहीं ये मेरा कर्तव्य बनता है, चलो मैं सेवा के लिए दौड़ू। तो यहाँ अमोला प्रभावती भी मूर्छा लेकर श्री जी को डुलाती थी। और श्री जी के दोनों ओर कौन कौन, केशवदास और शंकर हजूरी, ये भी हाथों में मूर्छा लेकर, एवं ऐसा नहीं कि चलो वो अमोला और प्रभावती डुला रही है तो हम नहीं करेंगे, हम ये दोनों तो कर रही है, हमारा भाव कैसा रहता, ये दोनों लगी है ने कोई बात नहीं उसको करने दो, यहाँ क्या भाव आया, वो कर रहे हैं तो केशवदास जी और शंकर हजूरी को भी ऐसा लगता है, शंकर हजूरी चरणामृत भी बांटेंगे आगे, वो भी सेवा में शामिल हो जाते हैं। और चलते समय वल्लभ दास जी क्या करते थे, शीर ऊपर क्षत्र क्षत्र की सेवा रखने की, वो सिर ऊपर छत्र रखने की वो सेवा करते थे। और हमेशा ही हाथों में पकड़ कर ही रखते थे कि कभी भी मेरे श्री जी यहाँ से पास हो और मैं ऊपर सीधे ही छत्र कर लूँ। और आगे जब हरिवंश भाई के घर से वापस लौटते हैं देह क्रिया के बाद, जब वापस लौटते हैं तो रास्ते में वापस लौटने के टाइम कौन पावड़े बिछाते हैं, तो यहाँ धनबाई पावड़ा बिछाती है। और कोई कोई बार घनश्याम जी भी पावड़ा बिछाने की सेवा करते हैं, पावड़ा ये साड़ी का पावड़ा,
हमने देखा था ने जब छत्रसाल जी और सुशीला महारानी कहां चोपड़े की हवेली में जब पहुंचे, कौन श्री जी और बाजूराज जी सुखपाल में बैठा के कहां से लाए थे, किलकिला नदी से अपने कांध पर सुखपाल में बैठा कर जब लाए और ये सुखपाल को दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया और अंदर सिंहासन पर विराजमान किए, और जब विराजमान किए तब पावड़े बिछाया थे, कोने किसने बिछाए थे, सुशीला महारानी ने। तभी शायद जो परसों प्रसंग था ने दो दिन पहले, तभी शायद मैं तेज कुरी जी बोल गई हूँ, क्योंकि साथ में तेज कुरी जी का प्रसंग चलता था ने साथ में, क्योंकि छत्रसाल जी ने किस स्वरूप में पहचाना था कि परम धाम में राज्य के पास श्यामा जी बैठती है, तो यहां तेजकुरी के अंदर तो अमलावती की वासना है, लेकिन परम धाम के स्वरूप में मानकर छत्रसाल जी ने और सुशीला महारानी ने कैसे सेवा की कि नहीं ये मेरे राजी और श्यामा जी है। तो मैं उसी समय प्रसंग में बायजूराज जी बोल दिया है ना, एक बार तो मैंने सुशीला महारानी ही बोला है, एक जगह बायजूराज बोला था, लेकिन हाँ आज मैं इसलिए दोबारा चर्चा में बता रही, सुंदरसा जी जो भी कल सुनने वाले हैं, वहां ये सुशीला महारानी ने पावड़ा बिछाया और श्री जी सिंहासन पर विराजमान हुए। तो यहां भी पावड़ा जब वापस लौटते हैं तब कौन बिछाते, धनबाई और घनश्याम भाई, और हिम्मत सिंह जी जब आते हैं, हिम्मत सिंह जी कौन है, छत्रसाल जी के राज परिवार के सुंदर साथ है, वो भी पावड़े बिछाते हैं। लाल भाई भी ये सेवा प्रेम पूर्वक प्रतिदिन करती रहती है, और श्री जी के चरण धोने का समय आता है तो कुर्सी और पलंग बिछाए जाते हैं, और वहाँ वैसे ही पहले ही सेवा हो चुकी है, उसी समय राम कुंवर जी आते हैं और हाथ पकड़कर श्री जी को बिठाते हैं, और उसी के बाद श्री जी के चरण कमल धोए जाते हैं, श्री जी के चरण कमल धोए जाते हैं, वो जैसे ही तख्त से उतरते हैं तो अपने वस्त्र उतारते हैं और उसके पश्चात चंदन की बनी हुई चौकी पर बैठते हैं, और चौकी पर बैठने के बाद शरीर पर ऐसे एक सुगंधित इत्र और सुगंधित इत्र की तरह एक सुगंधित तेल से मालिश किया जाता है, क्योंकि श्री जी की सुंदरसा जी मैंने अभी बताई कि 17 साल की उम्र हो चुकी, मतलब थोड़े समय ही बाकी है, तो सुंदरसा यहाँ के वजूद को क्या मानते कि भाई थकान भी लगती है, श्री जी सुबह से बैठे हैं रात्रि तक सोने का तो उसी में कहीं नाम भी नहीं आएगा, तो सुंदर साथ ने क्या सोचा कि चलो हम इस शरीर को भी मालिश करें, जिस तन में हमारे अक्षरातीत की आवेश शक्ति लीला कर रही है, और धाम धनी पलंग पर बैठ जाते हैं, तब दंत धावन की सामग्री भी वहाँ लाई जाती है, और दोनों तरफ एक तरफ नारायण दास और एक तरफ केशव दास सुंदर साथ जी भी रुमाल लेकर खड़े हो जाते हैं, और छबिल दासी दातुन कौन लेके आते हैं, ऐसे ही सजावट करके छबिल दासी दातुन लेकर आते हैं और श्री जी के साथ में देते, और इतना गुनगुना थोड़ा कुछ पानी भी पूर्ण समर्पित मन से वो लेके आते हैं, और नीचे जो दातुन है ना उसका निचला भाग कंचन सोने से मढ़ा हुआ है, क्योंकि दिल में भाव है कि दातुन कौन पकड़ेंगे, मेरे धाम के धनी, तो सोने से उसका नीचे का जो भाग है वो मढ़ा हुआ, और छबिल दास श्री जी के हाथ में देते हैं, और नंदराम जी हाथ में चिलमची लेके पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि श्री जी का हाथ धुलाना है, ऐसा वाला एक बर्तन है टोटी वाला कि जिसमें से जब ये नंदराम जी ऐसे ही डालेंगे तो श्री जी का हाथ और मुखारविंद धोया जाता है, ये सेवा कौन करते हैं, नंदराम जी, और नंदराम का नाम कहाँ आया था, जब हम दिल्ली में थे घड़ियाल जी क्या सेवा करते थे वहां बादशाह के, औरंगजेब बादशाह के दरबार में
घंटे बजाने की, या यहां श्री जी की हाथ में चिलम सी पकड़कर बैठे रहते हैं, और प्राणा जी जब स्नान करके जीर्णा करके जब बैठते हैं तो ललाट पर केसर मिश्रित चंदन का तिलक श्री जी स्वयं लगाते हैं, क्योंकि जो रूहे 5000 की जमात बैठी है वो अपने ललाट पर जब तिलक लगाते हैं तब रूहों को कैसे दिखाते कि सुंदर साजी तुम याद करो, कैसे तुम तीसरी भोम में कैसे मेरे को श्रृंगार कराती थी, कैसे जैसे चबूतरे से हम तीसरी भोम में चबूतरे से एक सीढ़ी नीचे उतरते थे, 28 स्तम से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते थे, बीच की सीढ़ी में हमारा मिलन होता था और अर्श मिलावा ले चली तुम अपने संग सुभान, उसी समय फूल माला भी पहनाई जाती थी और तुम दहलान में मेरे को कैसे श्रृंगार कराती थी, आज देखो मैं स्वयं तिलक लगा के आपको खुश करूं, कैसे रिझाऊ प्रेम से रिझाऊ, तुम मेरे को रिझा रही हो ने, मैं भी आप सब सखियों को रिझाऊ। और ये नहीं सुंदर सा जी इसी समय सुंदर साथ को चितवनी करवाते थे परम धाम की, कि सुंदर सा जी आप सब अपनी अपनी सुरता को परम धाम के अंदर ले चलो, सिंगा सिर्फ तीसरी भोम में नहीं, ये तो सुबह का होता था, लेकिन फिर शुक्ल पक्ष में अभी मैंने बताया ने कि जो वनों की लीला में रहते तो एक घड़ी सिंगार और एक घड़ी जीणा, तो कोई भी पक्ष में भी हमारा जीणा और सिंगार रहता था, तो श्री जी क्या करते थे एक एक पक्ष में, मान लो जो भी दिन हो, आज श्री जी बंगला जी दरबार में पड़वे का दिन मतलब एकम का दिन है, तो श्री जी क्या करेंगे सुंदर साथ जी, क्या करेंगे सुंदर साथ जी, चलो आज पाठ के घाट, और पाठ के घाट बैठकर क्या करना है, जो छुटक छुटक छह देहुरिया बनी है जलरोस पे, आगे पाल है, बीच में जमुना जी बह रही है, अक्षरधाम की ओर भी छुटक छुटक देहुरिया बनी है, सात वन है, तो ये चितवनी के माध्यम से श्री जी परम धाम में लेके जाते थे। इतना नहीं और क्या कहते थे कि सुंदर साथ जी चलो हम जमुना जी के अंदर दूध से भी उज्जवल मिश्री से भी करोड़ों गुना मीठी जमुना जी के अंदर हम प्रवेश करें, हम जीर्णा करें जल कीड़ा करें, और देहुरी में पाट घाट की देहुरी में जहां रामत की जय राज, पाट घाट की देवरी में जा रामत की जेरा, रतन जड़ित के मोल में कीजे रंग विलास मारा वाला जी, लो जमुना जल जीली। क्या बताया कि वहां चितवनी भी करवाते थे कि तुम वहां चलो, या बंगला जी दरबार में सामने नहीं भले यहां बैठे हो लेकिन अपनी सुरता को वहां लेकर चलो, और इसी भाव से सुंदर सात को श्री जी परमधाम की चितवनी करा के परमधाम की लीला में डुबोना चाहते थे। और आगे वहां से जब श्री जी तख्त पर विराजमान होते थे अपने दोनों चरण कमल जब नीचे रखते थे तो सुंदर सात जी अपनी आत्मा का प्रियतम मानकर पल पल सेवा में खड़े होते थे, तैयार रहते थे, हाजिर रहते थे। और नूर मोहम्मद कहाँ देखा था हमने सुना था, ये उदयपुर में नूर मोहम्मद का नाम सुना था, ये नूर मोहम्मद जिसने अवल खान को पहचान, ये नूर मोहम्मद भी क्या लाते हैं श्री जी के लिए, बारीक एक पतली पतली बारीक सुपारी सुगंधित, और इलायची जावत्री जायफल आदि मिलाकर प्रेम पूर्वक फूलमा बना के एक बीड़ा की तरफ फूलमा बना के लाते हैं, कैसे डब्बी में भरकर और सेवा करते हैं, कौन नूर
मोहम्मद जो हमको उदयपुर में मिले थे। और धामधनी ने रूपाबाई को, रूपाबाई कौन है, कहां मिली थी हमको, नलिया में प्रसंग सुना था ना, रूपाबाई राधाबाई बिहार जी की सेवा में मन नहीं लगता था। श्री जी ने देखो सुंदर शाह जी, राज जी एक एक सेवा को आपको याद करवा रहे हैं कि सुंदर शाह जी तुम एक एक सेवा को याद करो, कि जो सुंदर शाह अभी पन्ना जी तक पहुंचकर अपनी सेवा संभाल रहे हैं, और जो सुंदर शाह को श्री जी ने क्या सिखापन दी थी कि हे रूपाबाई राधाबाई आपका मन भले बिहारी जी की सेवा में ना लगे तो भी धाम के धनी मानकर सेवा करनी है। जो आप बिहारी जी महाराज की सेवा नहीं करोगे तो मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। ये रूपाबाई को श्री जी ने रीझ के हरड़े खिलाने की सेवा दी है। और पाखड़ी भाई छबिल दास ये भी शामिल रहते थे, ये जो सब सुगंधी पदार्थ की खिलाने की सेवा में, और मुकुंददास जी भी उसी समय हाजिर रहते थे। कैसे, हमने एक दिन बोला था, सिर पाग बांधी अक चतुराई सो हके पेच हाथ में ले, भाव दिल में ले के क्यों कहूँ सुखविद ए परम धाम में। सुंदरसा जी राज्य की पाग हम सब श्रृंगार कराते थे, लेकिन राजी सो पेचों वाली इतनी कोमल मुलायम, लगता है कि एक ही पेच वाली है। ऐसी पाग जब अपने हाथों से स्वयं बांधते थे, ये देखकर रूहे कितनी खुशहाल, कितनी आनंदित होती थी। यहां भी जब मुकुंददासी सेवा में उपस्थित रहते, एकाग्र चित होकर श्री जी के सिर पर पाग बांधते हैं, और गोदावरी बेन क्या करती है, कंठपी और कान को ढकती हुई एक जो पट्टी आती है और ऊपर टोपी की तरह रहती है, कंठपी भी बांधती है, और आगे मुकुंददासी के साथ पंखों से बनी हुई कलंगी और तूरा भी रहते हैं। जब पाग तैयार हो जाती तो यहाँ कलगी रहती है और यहाँ तूरा भी रहता है, चंद्रिका भी लटकती रहती है। तो ये सेवा में सब सुंदर साथ कैसे उपस्थित रहते हैं, पूरा दिल में प्रेम भरकर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से सेवा करते हैं। जब पाग बांधते समय मुकुंददासी तो है, एक दूसरा मुकुंददासी भी आते हैं, वो क्या करते, पाग को एक मुकुंददासी सामने पकड़ के रहते, एक मुकुंददासी यहां पेच को लपेटते जाते, तो दोनों मुकुंददासी मिलकर ये पाग की सेवा करते हैं। और आगे अगरदासी, आगे अगरदासी दर्पण लेके खड़ा होते हैं, क्यों कि अरे मेरे श्री जी दर्पण में देखे कि ये सुंदर साथ सही ढंग से तो पाग बांध रहे, और इतना नहीं ये देख के श्री जी दर्पण में देख रहे, सुंदर साथ ऐसे पाग बांध रहे, तो कैसे श्री जी इतने दर्पण में देखकर जब मुकुंददासी का हाथ देखते होगे और दूसरे मुकुंददासी को भी देखते होगे दर्पण में, तो कैसे सुंदर छवि कि अरे मेरी परम धाम की लाडली, मेरी रूह मेरे को कैसे यहाँ रिझा रही है, ये पाग के पेच लपेट कर। और दर्पण अगर आगे जब खड़ा करते हैं तो कैसे पूरे मन से, और उसी समय सेवा में सीताराम गुल मोहम्मद सब तल्लीन रहते हैं, हमेशा बस मन में आनंद से ही भरे रहते हैं। और आगे अगरदासी जब पाग बांधते समय दर्पण आगे क्यों करते, ये भी धामधनी फिर बताते हैं कि पेच बांधते समय जो उपस्थित रहते हैं ने, तो मेरे श्री जी उस मुखारविंद में देख लेंगे, फिर ये मुखारविंद श्री जी ने जब अपने दर्पण में देखा, ये मुखारविंद में जल्दी से फिर यहाँ ढक के उल्टा करके रख दूँ, क्योंकि उसी के अंदर किसी की और मुखारविंद ना चले, मतलब परछाई ना पड़े, ऐसा भाव दिल में रखते हैं। और कुछ दिनों तक ये उद्धव दास जी ने तिलक लगाने की सेवा की, और बाद में
छबिल दास। कुछ दिनों तक उद्धव दासी ने तिलक लगाने की सेवा की, बाद में छबिल दासी ने सेवा ले ली और आगे चंद्रिका, ये यहाँ जो मोतियों की लरो वाली चंद्रिका की सेवा कौन करते हैं, उसमें भी जो मोतियों की लरे लटकती रहती है, तो ये जो सुंदर सात के मैंने नाम दिए, ये सुंदर सात पूरे भाव से सेवा करते हैं। और ये चंद्रिका के अंदर, दुख दुखी के अंदर और कलंगी से अंदर, चारों ओर कितनी किरणें उठ रही है, कितनी तरंगे निकल रही है, ये ज्योति, ये प्रकाश आसमान तक जा रहा है। आप देखिए इस शोभा को यहां बैठकर। और आगे जब श्री जी पाग बांधकर सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, तो फिर ऊपर कलगी लगाई जाती है और रामदास, और आगे रामदास और धर्माबाई। कौन थी धर्माबाई? आगे हमने गड्ढे में सुना था ने नाम, श्री जी के लिए फूल का रोटी भी लाएगी और लालदासी को संदेश धर्माबाई ने दिया था ना कि लालदासी तुम्हारा संदेश देवकरण के माध्यम से छत्रसाल जी तक पहुंच चुका है, ये बुढ़ी माता जी थी। तो धर्माबाई और रामदास फूलों के फूल, फूलों की फूल की टोकरी भरकर श्री जी के पास लाते हैं। और इसी समय ललिता सखी, ये कौन है? मेरता के राजा राम भाई की पुत्री, हमने गाया था ना वारी रे वारी, ये कौन थी? ललिता सखी ने अपना तन मन जीव और आत्मा भी श्री जी के चरणों में समर्पण कर दिया और राज्य सबका मंगल करे। ललिता क्या बोलती थी कि श्री राज खम्मा, मतलब श्री राज जी सबका मंगल करे, यही भाव ललिता का रहता था। और चलते फिरते जो सुंदर साथ सेवा करते थे, तो बस ललिता का एक ही वाक्य रहता था, वो दोहराती थी रहती थी, राज्य सबका मंगल करे, राज्य सबका मंगल करे। और मयाराम भाई झोली में जो विरक्त जीवन में काम आने वाली सारी वस्तुएं रखते थे, क्या क्या आगे चौपाई में बताया और आगे भी बताएंगे कि एक मयाराम भाई झोली में सुई कुकड़ी और हरड़े पीपर ये आदि औषध भी सब रखते थे। और एक गुदड़ी, पुरानी गुदड़ी, कैसे जो सुंदर साथ के पुराने कपड़े जो टूटे फटे हो गए, उस कपड़े से बनाई हुई गुदड़ी भी मयाराम जी रखते थे और वो श्री जी को रोज ओढ़ाते थे। सुंदर सा जी, श्री जी का लाड तो देखो, प्यार तो देखो, हमारे सुंदर साथ के फटे टूटे कपड़े की, पुराने कपड़े की गुदड़ी जो बनी हुई है, वो गुदड़ी श्री जी ओढ़ते थे। किसका प्रेम आगे रहा? हम तो हार गए ने, हवे हारिया हारिया और हारिया कहु वार केटली, राखो रोतियो करो निर्मल नार। हम तो बस तीन बार ब्रज रास और जागरी में हार चुके, बस धनी हम हार गए आपके सामने, आपका प्रेम ही बड़ा रहा। हमने बड़े बड़े दावे किए थे लेकिन धनी हम हार गए आपके सामने। क्या राज्य का प्रेम तो देखो, पराकाष्ठा का अति हो गई धनी के दिल में, हमारे प्रेम के लिए क्या प्रेम कर रहे हैं। और कपूर की बनी हुई सुमरी नीलाकर श्री जी के हाथ में पकड़ाते थे और गोदड़ी चिप्पी एक सुमरी नी छोटी सी माला भी श्री जी को देते थे। और मयाराम की झोली में मैंने अभी बोला कि सुई अजवाइन सौंठ पीपर ये सब चीजें रहती थी, आवश्यकता पड़ने पर मयाराम जी को सब बुलाते थे, बंगला जी पूरा भरा हुआ है, कोई भी जरूरत पीपर सौंठ इलायची सुई कोकड़ी जो भी जरूरत, बोलते हे मयाराम आइए, फिर इस सुंदर साथ को सूंठ दे दे, फिर कोई दूसरे बुलाते हे मयाराम आइए मेरे को
हरड़े चाहिए। तो मयाराम जी कोई पूरा बंगला जी में ऐसी आवाज गुंजायमान होती देती थी, क्योंकि जिसको जरूरत पड़ती थी वो तुरंत बुलाकर बुला लेते थे और वहां तुरंत आके मयाराम जी झोली से ये सामान को निकाल कर देते थे। और तभी महाराजा छत्रसाल जी आते थे और श्री जी को श्रृंगार कराते थे। किसको? धाम धनी जी को श्रृंगार कराते थे। और इतना नहीं, अपनी जो अंगूठी अपने हाथों में जो नंगों से रियल नंगों की पहनी हुई अंगूठी वो निकाल के श्री जी के हाथ में अंगूठी में पहना देते थे। और श्री जी की अंगूठी देखो छत्रसाल जी का सौभाग्य वो पहन लेते थे। और बाजूराज जी इसी समय आती थी ने तो क्या लाती थी, एक चांदी की थाली थी बड़ी, उसी के अंदर सब आभूषण लाती थी। और गोदावरी बेन और रुक्ष्मणी भी साथ में रहती थी, क्योंकि बाजूराज जी के साथ चलती थी, ये भी एक शोभा थी। वहाँ परमधाम में भी जब हमारी सवारी निकलती थी ने तब राज जी श्यामा जी सखिया जब सुखपाल में तख्तरवा में या कई बार पशु पक्षियों पर सवार होके तो आसपास में कैसे बाजूराज जी के आसपास सखिया घेर कर चलती थी। तो यहाँ भी ये भाव लेती है कि अरे हमारी बाजूराज जी हमारी श्यामा जी चल रही है, चलो हम भी चले। और यहाँ भी हम संसार में देखते हैं कोई बड़े बड़े पद पर बैठने वाले बड़े बड़े ओहदे को प्राप्त करने वाले पोस्ट को प्राप्त करने वाले लोग जब चलते नेता अधिकारी लोग तो उसके आसपास भी स्वयं रक्षक हजूरी सेवादार लोग रहते उसकी सुरक्षा के लिए। यहाँ सुरक्षा का नहीं, यहाँ तो बस परमधाम का भाव लिया कि वहाँ हम कैसे श्यामा जी के साथ चलती थी। तो यहाँ भी गोदावरी बेन और रुक्मणी बेन चलती है और चांदी के थाल में ये सब रुमाल ढककर आभूषण आते हैं। और श्री जी और बाजूराज को श्री जी को छत्रसाल जी श्रृंगार कराते हैं और बाजूराज को कौन श्रृंगार कराते हैं? बाजूराज जी का श्रृंगार सुशीला महारानी करेंगी। अभी हमने गाया था ने जे किरंतन अशोक के श्रवण के मुखारविंद से बंक के धनी के स्वरूप और बंक की मीठी मुस्कनी बंक के वस्त्र और आभूषण मतलब धनी के तीर्थ स्वरूप कैसे धनी के प्रेम से लबालब रसीले ऐसे वस्त्र आभूषण ऐसे स्वरूप मीठी मुस्कनी बंक के धनी की पाग और बंक के धनी के नेत्र श्रवण हमने अभी किरंतन सुना श्रवण के मुखारविंद से। तो यहां भी छत्रसाल जी श्री जी के श्रृंगार कराते हैं और गले में मोतियों की माला और सोने की जंजीरों वाली भी माला पहनाते हैं। और आगे आई जी अब भोग आरोगने का समय आ गया। आई जी कौन? तेजकुरी जी की माता जी, वो भी दोरा जी से साथ में चली है। यहां ये नहीं देखती है कि ये हमारी तेजकुरी जी के पति है, यहां किस भाव में देखते हैं? ये तो मेरे आत्मा के प्रियतम प्राणनाथ साक्षात अक्षरातीत है, यहां संबंध के रूप में नहीं देखती है। और रसोई की सेवा में आने वाले सुंदर साथ जब हाजिर होते हैं और श्री जी हल्का आहार करते हैं और तेज गुरु जी की माता जी आई जी वहां प्राणनाथ जी के लिए प्रातः काल का हल्का आहार जलपान कराने के लिए आती है। और इसी समय रतन भाई भी मूंग लेकर हाजिर हो जाती है और अन्य सुंदर साथ भी कुछ चीजें अन्य पदार्थ लेके आसपास में धामी मोहल्लों से भी दौड़ दौड़ कर आते श्री जी के जलपान के समय। और
कहीं कहीं वानगी मेवा मिठाई लेके दौड़ दौड़ के आते हैं और श्री जी को खिलाते हैं कि श्री जी हमारा भी आरोग्य। और श्री जी कैसे प्रेम पूर्वक ये प्रसाद को ग्रहण करते हैं। उसी समय छबिल दास, इससे पहले अभी भोजन अल्पान अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो चालू है, तब इससे पहले छबिल दास लोटे में जल भरकर वहां रख देते हैं और लालदासी धाम धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उसी समय मानिक भाई घर पधारना है, लालदासी क्या कहते हैं, श्री जी के चरणों में प्रणाम कर के चलो श्री जी मानिक भाई के घर पधारना है। तो जब ये लालदासी की ऐसी पूर्व तैयारियां, ऐसी उत्तम व्यवस्था देखकर श्री जी लालदासी को क्या कहते, अरे आई भाई बुजरक, अरे ये तो मेरी परम धाम की महान आत्मा आसबाई आई, देखो सुंदर साथ आसबाई आई। और वल्लभ दासी श्री जी के लिए नंगों से जड़े हुए खड़ाव लेकर आते हैं और श्री जी सिर के ऊपर छत्र लेकर, श्री जी के ऊपर सिर पर छत्र भी घुमाते फिराते हैं और परम धाम के वो ब्रह्म मुनि है, उसने क्या मान रखा है वल्लभदास जी ने कि बस मेरा तो अंतिम श्वास तक बस ये सेवा धर्म ही बना रहे, बस उसने सेवा को ही विशेष माना है, उसी के सिवा बस मेरे जीवन में कोई और काम ही ना हो श्री जी की सेवा के बिना। तो ये ने, क्योंकि परम धाम की ब्रह्म मुनि इसी के सिवा कुछ और सोचेंगे भी नहीं, और धाम धनी के चरणों में पावड़े बिछाने की सेवा फिर लाल बाई किसनी बाई क्या करती है और कैसे करती है, दिल में पूरा भाव भरकर। और धाम धनी जब पलंग से उठते हैं तो एक तरफ धनबाई हाथ पकड़ती है और दूसरी तरफ लालदासी हाथ पकड़, देखो एक तरफ स्वरूप महिला स्वरूप दे और एक तरफ लालदासी हाथ पकड़ के उठाते हैं और हाथ पकड़ने उठाने की सेवा ये दोनों की विशेष करके रहती है। चलते समय देखो कौन कौन सेवा करते हैं, श्री जी का एक हाथ गंगादास पकड़ते हैं, गंगादास जी के हाथ में जो लाठी है तो वहां श्री जी अपना हाथ, गंगादास जी ने जो लाठी पकड़ी ना वहां श्री जी हाथ वहां रख देते हैं, ऐसे गंगादासी का हाथ पकड़ा ऐसा ही लगता है और दूसरे हाथ लालदासी के हाथ में श्री जी दे देते हैं। देखो कैसा सौभाग्य है, साक्षात अक्षरातीत का आवेश स्वरूप जिस तन में लीला कराए वही तन लालदासी हाथ पकड़ रहे, कैसा महसूस होता होगा, कैसा फीलिंग आता होगा, उसी समय कैसा परमधाम का नूर अनंत प्रेम आता होगा अंदर लालदासी के धाम दिल में, और इतना नहीं रोंगटे खड़ी होती जाती होगी, इतना नहीं रोम रोम पुलकित हो गया होगा। इसी समय आप सोचिए वो समया कैसा रहा होगा। और मकरंद जी भी शामिल रहते हैं, जब छत्रसाल जी पहुंच जाते हैं तो वो प्राणनाथ जी का धामधनी का हाथ पकड़ लेते, कभी कभी लालदासी के बदले लालबाई भी श्री जी का हाथ पकड़कर चलती है और लालबाई थोड़ी सी सेवा में भी धामधनी को हंसाने का प्रयास करती है, कैसे चलते चलते श्री जी को हंसाती थी और सब सुंदर साथ हंसते थे, कैसे बोलती होगी लालबाई कि धनी भले हम परमधाम में इच्छा करते रहे लेकिन ये इच्छा उपजाने वाले तो आप थे, सब कुछ तो आपके दिल ही तो था, मूल में तो आप थे, आपने क्यों ऐसी इच्छा हमारे दिल में उपजाई, तुमने एक बार मना किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार, तो भी हम क्यों खेल मांगती रही। फिर हंसते हंसते क्या बोलती, धनी ये सब आपका किया हुआ, ये खेल भी आपके हुक्म से बना है, धनी अब ये खेल को खत्म करो ने, ऐसे हंसती जाती है और बोलती जाती है और आनंदमयी प्रेम भरी बातें भी करती जाती है और सुंदर साथ वाणी गायन भी करते जाते हैं। इतना
स्वर कैसे, वाणी गायन का स्वर, वो बातचीत संसार की लौकिक बातों वाला नहीं, ऐसा स्वर है और वाणी परम धाम की वाणी चारों ओर गुंजायमान हो रही है, क्योंकि वहां सब ऐसे प्रमुख प्रमुख ऐसे खासल खास मोमिन श्री जी के साथ में चल रही है। और माणिक भाई के घर में श्री जी की जब पूर्व तैयारियां स्वागत के लिए हो जाती है और वहां जाके श्री जी और माणिक भाई क्या करते हैं, पहले गादी रख कर तकिए भी बिछा देते हैं और चारों ओर चंद्रमा भी तान देते हैं। और वहां सुवाबाई, देखो महिला सुंदर साथ, सुवाबाई माणिक भाई के घर के अंदर जाने की सेवा प्रतिदिन वो करती है। और ये नहीं, ये चंद्रमा के समय बांधन वहां रहकर अपने तन से ये सुवाबाई पूरा दिल से भाव से ये सेवा सुवाबाई करती है। और माणिक भाई के घर के पास ही गंगा दास जी का घर था, वहां भी कोई कोई बार वहाँ भी बिछोना बिछाते थे और वहाँ भी श्री जी विराजते थे और वहाँ भी श्री जी की सेवा होती थी। और बड़े बुजुर्ग एक सुंदर साथ थे, कौन, बुलचंद भाई, वो सुंदर साथ की जमात में चलते थे और प्राणनाथ प्यारे की जे, क्या बोलते थे, प्राणनाथ प्यारे की जे, ऐसे कौन बोलते थे, एक बुजुर्ग सुंदर साथ हमारे बुलचंद भाई। और रास्ते में चला करते थे और जहाँ जहाँ जगह जगह पहुँचते थे तहाँ जयकारा बुलाते रहते थे और श्री जी का हाथ पकड़कर उठाने की सेवा कई बार गोरबाई भी करती थी और हाथ पकड़कर बैठाने की सेवा भी बहुत दिल में प्रसन्न भाव से आनंद पूर्वक करती थी। और नंदराम जी श्री जी के पास मोरछल लेकर खड़े रहते थे और दूसरी तरफ केशव दास जी भी रहते थे। इसी प्रकार माणिक भाई के घर से श्री जी जब वापस लौटते हैं तो मोरछल लेकर फिर केशव दास जी चौमट ढुलाने की सेवा करते हैं और दूसरा मोरछल शंकर हजूरी भी जो चरणामृत बांटे गए वो भी हाथ में लेकर खड़े रहते थे। कई बार वल्लभ दास जी भी चांदी के हत्थे से जड़ा हुआ चंवर लेकर आते थे, वो भी धाम धनी की पूर्ण भाव से सेवा करते हैं। और बक्तावर भी हमेशा इस सेवा में हाजिर रहते थे और मोहम्मद खान और वल्लभ दासी भी इस सेवा में रहते थे और पूरा ईमान के साथ पूरे विश्वास के साथ धनी की पूरे परिश्रम के साथ वो सेवा करते थे। प्रेम भरी मस्ती में सुंदरसा जी मुरली दरदास भाई अब चर्चा एक आसन पर बैठकर कैसे सुननी चाहिए, हमारा शिस्त अनुशासन हम डिसिप्लिन में कैसे रहे, ये सब बोध ये सीख लेनी होने तो किससे लेनी है, मुरली दरदास भाई। ऐसे प्रेम भरी मस्ती की चाल से चलकर श्री जी के पलंग के सामने आकर बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं नेत्र से नेत्र मिलाकर मुरलीदास भाई अपना आसन जमाकर श्री जी के सामने बैठ जाते हैं और वल्लभ दासी खुशाल बक्तावर वहां उपस्थित रहते हैं। और इसी समय मोहम्मद खान वल्लभ दास साथ में सेवा करते सच्चे ईमान से और श्री जी भी प्रेम भरी मस्ती की चाल से चलते हैं, कैसे चलते हैं, प्रेम भरी मस्ती की चाल से लटक मटक चाल से चलते 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 आते हैं, पुनः पलंग पर विराजमान हो जाते हैं और मुरलीधर दास भाई भी सामने ही आसन जमाकर बैठ जाते हैं। तो सुंदर साची ये एक पहर की सेवा पूर्ण हुई, कहाँ से लेकर, सुबह से 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, सुबह से 6 बजे से लेकर 9 बजे तक एक प्रहर की सेवा पूर्ण हुई और श्री जी पलंग पर विराजमान हो जाते। इसी समय अब दूसरे पहर चर्चा शुरू होती है, तो आप अभी आगे दूसरे पहर को सुनिए। महामती कहे सुनो सात जी,
ए और एक की बीरत जो होते तापर सोई बताऊ जुगत। महामति जी कहते कि हे सुंदर साची, यह आपने प्रातः काल 6 बजे से लेकर 9 बजे तक की लीला का वर्णन सुना, तत्पश्चात दूसरे प्रहर पद्मावतीपुरी धाम में जो लीला हो रही है 9 से 12 बजे तक दूसरे प्रहर की लीला आप आत्मा के कानों से, आत्मा की चक्षु से आगे आप सुनिए दूसरा पहर। अब कहो दूसरे पहर की सेवा साथ कीजिए, जिन बात जो होते हक मेहर करी उतरी है। अब दूसरे प्रहर पात्र 9 बजे से 12 बजे तक अंदर सुंदर सात द्वारा क्या क्या सेवा होती है, ये धामधनी कह रहे कि महामती के धाम दिल में बैठकर मैं आगे वर्णन करने जा रहा हूँ किस प्रकार हमारे सुंदर साथ दूसरे प्रहर में सेवा करते हैं और धामधनी उस सुंदर साथ पर पल पल मेहर बरसाते हैं। और श्री जी के पलंग, श्री जी के पलंग के दो बाजू दोनों ओर लालदासी एक की ओर एक ओर केशवदासी बैठ जाते हैं और कुरान और हदीसा और भागवत पधराए जाते हैं और धाम धनी परम धाम की शोभा का वर्णन करते हैं। वहां कैसा, हे ब्रह्म मुनि, तुम मिलकर प्रियतम अक्षरातीत धाम धनी का परम धाम का वर्णन सुनिए, इस अखंड सुख को अपने दिल में भरिए। परम धाम के 25 पक्षों का जो वर्णन है हम आगे चौपाई में अभी आएगा चर्चा में तब हम सुनेंगे। और श्री जी प्रेम पूर्वक कहते हैं कि हे जयंती काका, हे जयंती काका को बुलाया जाता है कि तुम जल्दी से रेवल पधराओ। और उसी पर हमारे धर्म ग्रंथ को रखो, तो जयंती काका को जैसे ही बुलाया वो आए और रेवल पर धर्म ग्रंथ रखा गया। और जयंती काका हमेशा अपनी थैली में ही पैसे रखकर श्री जी के सन्मुख उपस्थित रहते थे। जयंती काका की सिर्फ एक ही सेवा नहीं थी कि चलो धर्मग्रंथ ही संदूक में रखते थे और रेवल ही रखते थे, लेकिन पैसे भी अपने झोली में रखते थे। और श्री जी जब भी बुलाते थे कि हे जयंती भाई आइए, देखो आज ये सुंदर साथ के कपड़े फट गए हैं, देखो आज इस सुंदर साथ को कोई चीज की जरूरत है, तुम उसको पैसा दे दो, एक बाजार से लेकर आए। ऐसा नहीं, ये सुंदर साथ तो फिर बाजार से खरीदने वाले भी अलग थे, लेकिन यहाँ श्री जी क्या कहते थे, सिर्फ इशारा करते थे कि इन सुंदर साथ को ये चीज की जरूरत है, इन सुंदर साथ को ये चीज की जरूरत है, तो तुम पैसे लेकर दो। तब जयंती काका अपनी झोली से निकाल कर श्री जी की आज्ञा का पालन करते थे। और बागजी भाई आते थे क्या लेके, जंगोटा, उसी के सहारे श्री जी ऐसे बैठते थे तो अपना हाथ भी थकान नहीं लगती थी और आराम से वो चर्चा कर पाते थे। तो जंगोटा बागजी भाई लेकर आते थे और पूरा प्रसन्न चित्त होकर ये सेवा करते थे। और वनमाली दास पंजा, एक बार मनमाली दास ने देखा कि श्री जी को कोई पीछे पीठ में खुजली आ रही है, अपना हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा है और चर्चा कर रहे हैं बीच में कैसे खुजला आएगे, तो चलो मैं एक पंजा बनवा दूं। तो मनमाली दास जी ने एक पंजा बनवाया था। ये भी श्री जी जब चर्चा करने के लिए बैठते हैं तो आगे वनमाली दास पंजा रख कर खुजलाने के लिए जो पंजा रखा वो सेवा किसकी रहती है, ये वनमाली दास की रहती है। और दंदुराय की क्या सेवा रहती थी, कुरान की टीका सुनाते थे और धाम धनी को हमेशा सन्मुख बैठकर सुनाते थे और ये उसकी विशेष सेवा रहती थी। ऐसे कुरान की टीका सुनाकर धाम धनी को रोज रिझाते थे। और दंदुराय ऐसे नहीं, बहुत एक अच्छे तरीके से पत्र भी
लिखकर चारों ओर जो सुंदर साथ बाहर देश प्रदेश में बसते थे उसको पत्र भी भेजते थे कि हे सुंदर साथ जी, तब तो पत्र के माध्यम से संदेश दिया जाता था। आज की तरह वो नई टेक्नोलॉजी थी कि चलो फोन से हम एक सेकंड में ही अमेरिका या कोई भी विदेश में हम बात कर ले, तो तभी पत्र के माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता था। तो यहाँ दंदुराय पत्र के माध्यम से चारों ओर पत्र लिख के भेजते थे कि देखो ये बंगला जी दरबार में अष्टपर दिन 64 घड़ी क्या क्या सेवा हो रही है और सुंदर साथ कैसे सेवा करते हैं और तारतम वाणी की कैसी चर्चा हो रही है श्री जी के मुखारविंद से, ये भी संदेश साथ साथ में भेजते थे। और कोई दिन गोविंद राय टेक चंद सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के समय में, ध्यान से, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के समय में जो सुंदर साथ जुड़े थे, वो सुंदर साथ कैसे सतगुरु के चरणों में समर्पित हुए थे, वो समय के सुंदर साथ की भी बीतक कौन सुनाते थे, गोविंद राय और टेक चंद, ये सब उसी समय की भी बीतक सुनाया करते थे। और आगे बद्रीदास क्या करते थे, वो रोज की प्रतिदिन रोज निसी लगते थे कि आज सुबह से लेकर शाम तक बंगला जी दरबार में इतने सुंदर साथ की जमात है, उसका खर्च इतना रहा, आज खाने पीने की चीज का, कपड़े का या और बाहर से कोई भी और चीज आई तो इस सब का जो खर्च होता था पूरा दिन का, ये रोज निसी एक वर्ष तक प्रतिदिन किसने लिखी, बद्रीदास। ये बद्रीदास कौन है, तुमने सुना था सुंदर वल्लभ बद्री, बद्री के साथ छत्रसाल जी ने भागवत को लेकर शास्त्रार्थ किया ने, वही बद्री तो है। तो ये बद्रीदास प्रतिदिन एक साल तक उसने रोजनी सी लिखी। और बद्रीदास पुष्करण के साथ देवीदास भी तारतम वाणी, देखो ये वाणी लिखने में कौन कौन सुंदर साथ है, ध्यान से सुनिए। जब श्री जी कोई भी लीला में उसी समय वाणी उतरती जाती है, कई बार भोजन के समय, कई बार चर्चा के समय, कई बार ऐसे लेटे है बस लेटते लेटते, कोई भी समय वाणी उतरती है और सुंदर साथ लिखते हैं। तो कौन कौन सुंदर साथ वाणी लिखने की सेवा करते हैं और हमेशा तत्पर रहते, उसका नाम सुनिए आप, मथुरा, तिमिर, परशुराम, बहुत सावधानी से ये वाणी लिखते हैं। और आगे बताया पदमिया, बीरिया, सुरसिंह जी, मकनिया, सुरसिंह कौन है जो रामनगर में मिले थे, उसने संदेश किसको पहुंचाया था, एक एक सुंदर साथ को मैं क्यों आपको याद दिला रही हूं, एक एक सुंदर साथ की कि सुंदर साथ जब से जुड़े तब से देखो अष्टपहर में भी हर क्षण श्री जी की सेवा में शामिल है। और कहां तक खड़े रहेंगे, जाको धनिये पकड़े हाथ, अंतिम श्वास तक। तो ये सूरत सिंह जी रामनगर के ये भी वाणी लिखते, मकनिया और मुखारविंद से अवतरित होने वाली, श्री जी के मुखारविंद से अवतरित होने वाली वाणी इतनी युक्तिपूर्वक सावधानी से ये लिखते। इतना नहीं, हीरामन बहुत प्रेम पूर्वक धर्म ग्रंथों के सार रूप तारतम वाणी को लिखते हैं। और साथ में सन्मुख सुंदर साथ अपनी लिखी हुई वाणी को श्री जी को सुनाने के लिए कैसे ही बैठ जाते हैं और श्री जी को सुनाते कि श्री जी देखो, आप जब आपके अंदर से राज जी का आवेश आपके अंदर आया, वाणी उतरती थी, हमने इतनी चौपाइयाँ लिखी, इतने प्रकरण लिखे, देखो कोई कोई किताब भी तैयार हो जाती थी, तो सुंदर साथ जी दिखाते थे और सुनाते थे कि देखो हमने इतनी वाणी धामधनी लिखी। क्योंकि सुनाने का एक ही कारण था कि मेरे धनी बस मेरी सेवा देख के रिझ जाए, बस मेरे धनी खुश रहे। सब कुछ क्यों करते थे,
मेरे धनी बस खुश रहे। धनी को खुश करने के लिए, रिझाने के लिए, खुश करना कोई ऐसा नहीं कि यहाँ कोई रूठ गए और हम रिझा, ऐसा नहीं। परम धाम के भावों से, प्रेममय भावों से रिझाने की सेवा कर रहे हैं। और आगे मोहना भी बहुत लगन से वाणी को लिखते हैं और श्री जी के मुखारविंद से होने वाली चर्चा भी वो सुनते हैं। और हरिदास जी भी वाणी लिखते, क्यों उसने क्या भाव लिया कि अरे अभी धामधनी के तन से मूल स्वरूप के आवेश शक्ति महामती के धाम दिल में बैठकर ये वाणी का अवतरण करवा रही है और जो प्रस्तुतिकरण है वो जोश की शक्ति से ये प्रस्तुतिकरण हो रहा है। और आज मेरा सौभाग्य है, आज मेरा ये धन्य धन्य मेरा भाग्य है कि मेरे को धनी का सानिध्य मिला, ये साथ मिले, परम धाम के 25 पक्ष अखंड खजाना का मेरे को यहाँ वारिस बनाया। इतना नहीं और धाम धनी वाणी लिख रहे, ये समय मैं हूँ। चलो वाणी में बताया है कि मेरे साथ आए वो तो आए सही, लेकिन पिछले साथ कारण ये वाणी कही। क्या बताया वाणी में कि अभी मैं वाणी जो लिख रहा हूँ ने, तो अभी तो हमारी हमारा सौभाग्य कि हम श्री जी के सानिध्य में वाणी लिख रहे और हमको ये वाणी मिली, लेकिन पिछले साथ आएगा वो जो वाणी नहीं होगी तो वो क्या करेंगे। मैं पिछले साथ कारण कैसे कि वाणी लिख कर मैं अपने घर में रखूं और मेरे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी जो आते रहेंगे वो सुंदर साथ बनेंगे, मतलब वाणी पढ़ेंगे उसको पहचान होगी कि अक्षराति सच्चिदानंद श्री राज जी कौन है। और मेरे घर में भी ये निजानंद की सच्ची राह पर चलने वाले ब्रह्म मुनि को ये वाणी मिले, इसलिए ये वाणी लिखते हैं। और धामधन ने बताई कि कई किताबें करी साथ कारण, कई किताबें करी साथ कारण वो भी गाय जगावन, ये सुन के भी ना दौड़िया जिमी ताबा ओसी तीन तीन। धामधनी ने वाणी में क्या बताया कि हे सुंदर साथ जी, तभी 400 साल पहले बंगला जी दरबार में बैठे हुए सुंदर साथ को सुना रहे, सुंदर साथ जी आज आप और मेरे को धनी ये सिखापन दे रहे सुना रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी कई किताबें करी में सात कारण, मैंने 14 किताब रास प्रकाश सटृति कलश सनंद किरंतन खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी मार्फत सागर क्यामत छोटा बड़ा और तीसरा क्यामत नामा, तो मैं तुम्हारे लिए ये वाणी उतारी। इतना नहीं ये वाणी देते मेरा जीव चकूचे, ये वाणी मेरे हृदय में बसे। और भी आगे कहा कि वाणी महाराज से प्रकट ना होई, ये हृदय बैठ साक्षात कहलाया, ये मेरे प्राण नाथ चर्चा सुन जो दिन ने रात आपने त्रुठिया श्री प्राणनाथ। ये वाणी न केवाई वाणी माया माहे, ये साथ माटे के वाणी साथ आवसे रुदिये आणी ते में कहियू नहचे जानी। देखो कितनी मैं वाणी की चौपाइया बोलू, धनी को कितना विश्वास था कि चौकस मेरी वाणी को सुनकर सुंदर साथ इस राह पर चल पड़ेंगे, संसार की ओर पीठ दे देंगे। मेरी अर्धांगिनी है ना, मेरा आवाज सुनकर ही चल पड़ेगी। मान लो यहां कोई पत्नी होती, पति की आवाज बाहर गली में सुन लेती तो भी घर के मेंबर को बोलने लगती कि अरे देख ये मेरे पतिदेव आ गए। एक संसार के यहां की जुबान जो परख में आ जाती है, तो ये तो अक्षरातीत की आवाज है सुंदर साथ जी, ये अक्षरातीत के वचन है।
उसकी मीठी जुबा है, मीठी रसना, और सुनियो बानी सुहागनी, सुनियो बानी सुहागनी, होती जो अकथ अगम सोबी तक कहू तुमको, उड़ जासी सब भरम, उड़ जासी सब भरम। बताया सुनियो बानी सुहागनी, होती जो अकथ अगम, हे ब्रह्मात्मा ए, ये वाणी तो अकथ अभी तक किसी ने कथी नहीं थी, तो सुनी कैसे, सुन भी कैसे सुन पाते, किसी ने कही नहीं है तो कैसे सुनी वो, ऐसे अकथ अगम ये भी तक। तो यहां हरिदासी ने क्या सोचा कि ये वाणी उतर रही है, चलो मैं लिख कर मेरे घर में रखूं और आने वाले ब्रह्म सृष्टि उसका लाभ लेंगे। और जब महाराज जी, कौन, छत्रसाल महाराज आते हैं, तो वो ऐसे श्री जी की मुखारविंद से प्रेम का प्रवाह अविरत बह रहा है, चर्चा का प्रवाह इतना बह रहा है कि वो सुनने के लिए बैठ जाते हैं चर्चा। और कैसे सुनते हैं, ऐसे एकाग्र चित से, आत्मा की चक्षु से सुनते हैं। और श्री जी जब अपनी मीठी रसना से भरपूर जब ये चर्चा करते हैं और वेद और शास्त्रों का प्रमाण देकर, अनेक वेद और कतेब की साक्षियां देकर सुंदर सात को सुनाते हैं, और सुंदर सात के अंदर कितना आनंद भर जाता है। मीठी जुबा मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूह प्यार, मीठी रूही मीठे अरस को मीठा करे विचार, जाको नाम ही रसना कैसी मीठी होसी हक, जैसी जिन की बुजुर की, जैसी जिन की बुजुर की, जो बाहोसी तीन माफक, तीन माफक, जाको नाम ही रसना कैसी मीठी होसी हक। धनी ने मीठी जुबा मीठे वचन, क्योंकि धाम धनी प्रेम के स्वरूप, धाम धनी के एक एक अंग में प्रेम, धाम धनी का दिल प्रेम, उसकी जुबान प्रेम से भरी हुई, तो वचन तो प्रेम से निकलेंगे ही निकलेंगे। मीठा हक मीठा रूहो प्यार, तो धाम धनी इस जुबान से मीठे वचन निकलेंगे तो रूह पर प्यार तो बरसेंगे, प्रेम तो बरसेंगे। और पीछे क्या बोले, मीठी रूहे मीठे अरस को मीठा करे विचार, तो जैसे ही रूह के दिल में ये मीठे वचन मीठा प्यार जाएगा तो मीठा विचार करेगी, मतलब हमारे अंदर ये धाम धनी के वचन जब प्रेम से भरे हुए जा रहे तो हमारे अंदर क्या प्रेम नहीं छलक रहा है, हमारे रोम रोम में क्या प्रेम नहीं भर रहा है, ये धामधनी ने बताया। और आगे जब श्री जी चर्चा करने के लिए बैठते हैं तब मुरलीधर दास भाई कैसे श्रवणा देते हैं, कैसे एकाग्र होकर श्री जी के सामने बैठते हैं, नहीं उसका आसन हिलता है, नहीं उसके नेत्र हिलते हैं,
नेत्र से नेत्र मिलाकर, आसन से भी इधर नहीं उधर नहीं, हम तो थोड़ी बार दाहिने पैर खड़े करते, थोड़ी बार बाएं करते, थोड़ी बार इधर देखते, थोड़ी बार बीच में से चले जाते। देखो मुरलीदास भाई, चर्चा सुने तो किस ढंग से सुने, कैसी पोजीशन बना के सुने, नेत्र भी नहीं दिखा रहे उससे श्री जी के, बस ऐसे इतने भी नहीं, बस नेत्र से नेत्र। और कितने घंटे श्री जी? सुबह भी 3 घंटे तक, फिर शाम को भी 9 बजे से बैठे गए रात्रि के 1:30 बजे तक, 7 घंटे तक। और 1:30 बजे भी बेर पर अबेर भई, जब सुंदर साथ अर्जी करेंगे तो भी श्री जी खड़े नहीं होते, तो कितनी चर्चा हुई? 10 घंटे तक, 11 घंटे तक तो दिन की चर्चा हो गई। कभी भी हमने सोचा है, विचार किया इस बंगला जी दरबार के विषय पे? ये नहीं, और आगे भी बताया क्या कि 3 घंटे की चर्चा सुबह, 1.5 घंटे की, 3 घंटे की सुबह चर्चा, ध्यान से, शाम की, रात्रि की 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, नहीं 1:30 बजे तक, फिर दोनों टाइम चितवनी सुबह और शाम, 1.5 घंटे की, 3 घंटे की चितवनी और 10 घंटे की चर्चा। सुंदर सा जी 13 घंटे तो सिर्फ यही चलता रहता था। हम तो पता नहीं बहुत जबरदस्ती से या कदाच पूरे दिन में 1-1.5 घंटे भी पढ़ना, सेवा पूजा, चितवनी, ये सब कुछ आ जाते होंगे। ये चर्चा से प्रेरणा ले हम, कैसे चर्चा सुननी चाहिए और कितने घंटे तक चलती रहती है, तब तक मुरलीदास भाई की निष्ठा देखो। और श्री जी के धाम दिल में जब प्रेम के अनंत सागर और ज्ञान के अनंत सागर, बताए ना, एक बूंद आया हक के दिल से, तिन में कायम किए थे चर, ये बूंद की सिफत क्यों कहूं, ऐसे कई सागर हक के दिल में, निस्बत का, मेहर का, इलम का, इश्क का, वाहिदत का, ये अनंत सागर उमड़ रहे हैं। और उसमें से जो लहरें उठ रही है, तरंगे उठ रही है, और ये तरंग के माध्यम से सुंदर सा चर्चा का जो श्रवण कर रहे हैं, सुनते हैं, तो क्या होगा फिर तो दिल का हाल? दिल के अंदर इतना आनंद आनंद भर जाता है। और धाम धनी परम धाम का इतना अति मधुर वर्णन करते हैं कि सुंदर सा जी को निज धाम के, हमारे अक्षरातीत धाम परम धाम के सागर की लहरों का अनुभव बंगला जी दरबार में बैठे बैठे वहां होने लगता है। और श्री जी अलग और शास्त्र भागवत और अन्य शास्त्रों पर भी साक्षिया देकर चर्चा करते हैं। श्री प्राणनाथ जी धाम के धनी परम तत्व देखो, क्योंकि वहां जीव भी थे ना। सुंदर सा जी ध्यान से सुनिए, 500 जुलजुलाहट वाणी में कही, 1500 ईश्वरी सृष्टि थी, 2000 हुई और 3000 तो जीव सृष्टि थी। तो यहां जीव सृष्टि को समझाने के लिए भी श्री जी का कितना प्रयास है। एक परम तत्व पर, क्योंकि ब्रह्मात्मा ने तो पहचान कर ली एक स्वरूप की, कि यही धाम धनी है, यही अक्षरातीत है, तो यहां परम तत्व पर किसके लिए चर्चा कर रहे हैं? शायद हम तब जीव की तरह वहां बैठे होंगे तो हमारे लिए तभी भी धनी ने इतना नहीं, इससे तो करोड़ों गुना प्रयास किया है। आज मैं तो इस शरीर, ये तो एक खोखा है, माध्यम बनाइए, क्या प्रयास कर रहा है, तो ये आराम से बस 1-2 घंटे चर्चा करके फिर आराम करेगा। देखो धाम धनी का आप अष्टपहर में देखेंगे ने, कहीं आराम, कोई निंद्रा, भले लेटने का आएगा वर्णन, लेकिन धनी सोते नहीं। ये चर्चा आप सुनिए और आगे परम तत्व पर जीव सृष्टि को क्या बताते होगे।
कि देखो गीता के अंदर जीवशुचि को तो धर्मशास्त्रों का प्रमाण देना पड़ेगा ना, कि देखो भागवत में सच्चिदानंद कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्राविनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वैसे गीता का भी वो श्लोक, ओ न तत्र भास्यते सूर्य न दहक न पावक यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। क्या बोले, न तत्र भास्यते सूर्य न दहक न शशाक न पावक यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। ये गीता के श्लोक से भी समझाते होगे, द्राविमो पुरुष लोके क्षर अक्षर एवच क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष तो अन्या परमात्मा इति उदायते। क्या बताया कि इस संसार में दो पुरुष क्षर और अक्षर बताया है, इससे भी परे जो अक्षरातीत जिसको उत्तम पुरुष गीता में कहा गया है तो वो लेकर भी बता रहे हैं। देखो कतेब को लेकर कहेंगे कि देखो ये, क्योंकि वहां पठान लोग भी थे बंगला जी में, कि देखो ये इमाम मेहंदी आपके कतेब के अंदर कुरान के अंदर जो मोहम्मद साहब ने बोला था कि मैं 1100 साल के बाद आऊंगा, तो इसी के हिसाब के अनुसार ये इमाम मेहंदी आखरुल साहिबुज्जमा प्रकट हो चुके हैं। तो कतेब के 15वें सिपारे को लेकर भी वर्णन करते थे, यानी परमधाम का और भी वर्णन 30वां सिपारा पहला सिपारा, तो यहाँ परम तत्व की भी चर्चा होती थी और कई कीर्तन भी गाए जाते थे और आगे शाहेदिया भी कई शास्त्रों की साक्षियां लेकर चर्चा होती थी। और आज तक जो वेद और कतेब धनी आए, वेद कतेब छुड़ाओ ने ये बात चित दिल धर, धनी आए वेद कतेब छुड़ाओ ने, साहेब आए इन जिमी, साहेब आए इन जिमी कारज करने तीन सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दिन। तो वेद और कतेब दोनों का एकीकरण स्पष्टीकरण करके खुलासा करके कि जो वेद कहते हैं वही तो कतेब कहते हैं, वेद में कहा गया निष्कलंक बुद्ध स्वरूप यही तो कतेब में इमाम मेहंदी कहा गया, सिर्फ भाषा का भेद है। वेद में कहा गया एक अक्षरातीत वही तो कतेब में नूर जलाल कहा गया, वेद में कहा गया अक्षर ब्रह्म वही तो कतेब में कहा गया नूर जलाल, अक्षरातीत को नूर जमाल और अक्षर ब्रह्म को नूर जला। तो ये स्पष्टीकरण श्री जी वहां करते हैं, कहां बंगला जी दरबार में। और जब सुंदर साज जी सुनते हैं ना, कैसे एकाग्र चित से सुनते हैं, जो परमधाम के ब्रह्म मुनि है, और कौन कौन एकाग्रता से सुनते हैं ये भी नाम बताया, ब्रजनेन भाई चंचल दास कौन है, चंचल दास कौन है, हमने सूरत में सुंदर सात का नाम सुना, गंगाराम चंचल 12 मोमिनों के, चंचल दास क्या करते थे, चोरी करके चीज लाए लाते थे ने, तो ये ही चंचल दास भी हमेशा उपस्थित रहते थे और चर्चा में इतना डूब जाते थे। देखो मुरलीधर दास भाई के बाद चर्चा कैसे सुननी चाहिए ये बता रहे। और आगे धामधनी कैसी मीठी जुबान से, कैसी मीठी जुबान से ये चर्चा हो रही है, और आपको घर याद आए, आना ही नहीं चाहिए। धामधनी की कैसी वाणी है, श्री प्राणनाथ जी की रसना इतनी मीठी है, सुंदर साथ जी इतनी अत्यंत मीठी है, प्रेम रस से भरी हुई है और बहुत ही सुंदर है। तो जो कोई भी सुन लेगा नहीं वचन को, तो उसके चित्त में, चित्त में तो क्या कहूं, पूरे अंतस्करण में आनंद ही छा जाएगा, भर जाएगा, एक बारी अखंड का आनंद आएगा ने फिर निकलेगा ही नहीं, उसका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। और
कहाँ कहूँ इन जुबान की, अरे धाम धनी की प्राणा जी की वाणी की मधुरता का। यहाँ महामती जी कह रहे एक, मैं क्या वर्णन करूँ। और आगे धाम धनी चर्चा करने वाले धाम धनी है, ध्यान से, और मूल स्वरूप परम धाम में बैठे हैं। आवेश स्वरूप कहाँ, बंगला जी दरबार में बैठकर 5000 की जमात के बीच में चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या बताया, वाणी चर्चा करने वाले स्वयं राज जी है, और मूल स्वरूप ये आवेश तो युगल स्वरूप के दिल में है, कहाँ परम धाम में मूल मिलावे में। तो वही आवेश फिर यहां आया, क्या मेरा ठाकुर के तन में, महामती के धाम दिल में। तो वो धाम ने वो युगल स्वरूप, वो धाम दिल में वो युगल स्वरूप तो बैठ गए, तो परम धाम वाला जो स्वरूप है वो नूरी स्वरूप है, वही युगल स्वरूप यहां श्री जी के धाम दिल में बैठा है, महामती के धाम दिल में बैठकर वर्णन करे। और सुनने वाले कौन है परम धाम के, ब्रह्म मुनि। और शोभा और वर्णन भी कहां का हो रहा है, परम, देखो वर्णन हमारे घर का, और चर्चा करने वाले हमारे प्रियतम प्राणनाथ, और सुनने वाले हम, तो कोई चीज की कमी रहती। और आगे क्या बताते कि सुंदर साची परम धाम के सुख में आप डूबिए, क्योंकि परम धाम की लीला में सुख है, ये संसार के घर में सुख नहीं है। ये संसार तो दुख का मूल है, ये संसार तो दुख का कारण है, वहां उधर की ओर आप दृष्टि मत ले जाइए, आप परम धाम के आनंद में डूबिए। और अपनी चर्चा में संबोधित करते हुए धाम धनी, ये मायावी खेल क्षीर नीर को निर्णय किन हो, माया ब्रह्म को निर्णय किन हो। जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी। यहां माया और ब्रह्म पटंतर बता रहे धामधनी। और आगे क्या बताया कि मेरी तीनों सूरत आई इस संसार में, बसरी मलकी और हकी। कौन कौन, मोहम्मद साहेब, सदगुरुधनी देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी। ये तीनों सूरतों ने क्या किया, मूल स्वरूप कह रहे हैं मेरे आवेश सूरत तीनों आई है, उस तीनों ने क्या किया इस संसार में। तो धर्म ग्रंथों के खोलने की चाबी, पहले बसरी सूरत सिर्फ संकेत इशारे के रूप में कुरान के अंदर साक्षी लाई, ध्यान, और मलकी सूरत सदगुरुधनी देवचंद्र जी तारतम रूपी कुंजी चाबी लेकर आए, और हकी सूरत प्राणनाथ जी सब धर्म ग्रंथों के रहस्य खोल दिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो ये पांचों दिन कौन, पांचों सूरत में ये धामधनी ने यहां बताया, पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार। ये पांचों क्या क्या, ब्रज रास अरब वाले और सदगुरुधनी देवचंद्र जी और अंतिम प्राणनाथ जी। तो ये पांचों दिन की बात यहां बताई, और क्यामत के सातों निशान भी देखो श्री जी बंगला जी दरबार में जाहिर करे, क्योंकि क्या समय चल रहा है मैं फिर याद दिला रही हूं। दूसरा पहोर 9 से 12 बजे तक यह चर्चा हो रही है, तो चर्चा में श्री जी कुरान के सात निशान भी जाहिर कर रहे हैं, जो हमने बार बार सुन लिया है। और आगे असराफिल फरिश्ता आया जागृत बुद्धि का, और नीच बुद्धि भी बाद में विक्रम सन 1735 के बाद वो नीच बुद्धि भी इस संसार में आ गई। तो क्या बताया कि 1735 से लेकर, ध्यान से, 1735 से लेकर ईसा पातशाही बरस 40, तो 1735 से लेकर 1740 साल जो है, आपको समझ में आ रहा है कि मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूं आपको समझ में आ जाए। विक्रम संवत 1735 से लेकर 1775 का समय जो है वो ईसा पातशाही बरस 40, तो वो जो समय लिखा गया था उसी के अनुसार 11वीं और 12वीं सदी में ये वाणी भी उतरी, कई आखिर की खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की, निज बुद्धि की और मार्फत की,
जो पूर्ण पहचान देने वाली। और अंतिम क्या बताया कि हे सुंदर साची, जब विक्रम सन 1735 से 1751 तक परम धाम की लीला का शोभा का वर्णन पांचवें दिन में श्री जी के धाम दिल से होता रहा और बाकी का जो समय है 75 तक का, ये छत्रसाल जी क्या किया, 7 साल तक आवेश लीला चलती रही छत्रसाल जी के धाम दिल में, शाकुंडल के धाम दिल में, और बाद में उसने चारों ओर जागनी का तारतम वाणी का प्रकाश फैलाया। और आगे बताया कि धाम धनी ने ये परम धाम के सुंदर साथ पर कितनी मेहर की है, और स्वयं अक्षरातीत धाम के धनी ये परम धाम का अखंड रस बरसा रहे और सुनने वाली भी मोमिन है। और मां मती कहे, सुनो साथ जी, सुनियो चित दे तुम, अब आरोगन के बखत का हुआ है हुक्म। हे सुंदर साची, मैंने तुमको अब तक ये वाणी चर्चा का प्रसंग सुनाया, अब ये पहर पूर्ण नहीं हुआ है लेकिन 11:15 बजने वाले हैं, दोपहर के 11:15 बजने वाले, उसी समय आगे श्री जी की सुंदर साथ क्या क्या सेवा करते हैं एक प्राणनाथ के स्वरूप में पहचान कर ये तुम आगे सुनिए। अब कहूँ आरोगन की उठ समय जिलन, पीछे आरोगन को कहो सेवा जो सयन। अब मैं दोपहर के भोजन लीला का वर्णन करने जा रही हूँ। महामती क्या कह रही है, भोजन लीला का वर्णन करने जा रही हूँ। इसी से पहले श्री जी जब स्नान के समय चर्चा छोड़कर, पहले चर्चा कर रहे थे ना, अभी ये छोड़कर जब सिंहासन से उठ जाते हैं और उसी के बाद भोजन लीला में कौन कौन सुंदर साथ सेवा करते हैं ये उसका नाम आगे बता रहे हैं। दोपहर होने में जब 2 घड़ी बाकी रही तो कितने 11:15 बजे है, तब पहले हनुमंत बाई अर्ज करने के लिए आती थी और हम भोग में भी बोलते हैं ना, वो धनी तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं भोजन लेकर आऊं। तो यहां हनुमंत बाई आती थी और बाद में और भी सखिया का नाम बताया कि अक्षरातीत की भोजन की लीला में फिर कौन आते थे, तो पहले कमलावती भी आती थी और लाड भाई भी आती थी। और जब हम वाणी के आधार पर देखे तो उसमें लाड भाई का भोजन के लिए आग्रह करने के लिए श्री जी के पास आती है। तो यहाँ अंतिम ये हनुमंत बाई ने ये सेवा संभाली और हुक्म हुआ श्री राज का, श्री धनी जी की आज्ञा पाऊ या समय रसोई लेके आऊ। श्री धनी जी ये आज्ञा करी, अभी धनी जी आज्ञा कर रहे, क्या आज्ञा करे कि हुक्म हुआ श्री राज का, ल्यावो धोती पोती तेल। अरे सुंदर साची, अब भोजन की तो देर है लेकिन इससे पहले मेरे को जो आपको स्नान करवाना है ना आपने मेरे को, तो ऐसे करो पहले धोती वस्त्र तेल मालिश के लिए ये सब तैयार तो करो, मेरा समय बीच में आप क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो, आप ऐसा करो पहले सब तैयारियां कर लो बाद में मेरे को बुलाओ, तब तक आप चर्चा में बाधा मत डालो। तब तक सुंदर साथ क्या किया, सब तैयारियां कर ली और इसी समय भोजन करने के लिए कराने के लिए स्वयं बाई जी भी प्रार्थना कर रही है कि हे श्री जी, अभी श्री जी चर्चा से नहीं उठे हैं, सुंदर साथ जी अभी श्री जी चर्चा से नहीं उठे हैं, तो यहाँ बाई जी प्रार्थना करते कि हे धनी 9 बजे से बैठ गए हो, देखो 11:15 बज गए,
अभी भोजन के लिए आप खड़े होइए, और धाम धनी पहले स्नान करने के लिए उठते हैं और चौकी पर विराजमान होते हैं, और सुंदर सार चारों ओर घेलकर तेल लगाने के लिए मालिश करने के लिए बैठ जाते हैं और तेल लगाने की सेवा। सुंदर सार सुनिए, मैंने अभी भी बताया कि पुरुष सुंदर सार और महिला सुंदर, क्योंकि तभी स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं रहा था। यहाँ गोदावरी बहन और गंगाराम कटोरी में तेल भरकर आते हैं और श्री जी को मालिश करते हैं, और आगे स्नान करने के थोड़े समय पहले तेल की मालिश होती है, और उसके बाद बंसी सीताराम भी शामिल रहते हैं इस सेवा में। श्री जी तेल की मालिश से बचे हुए जो तेल है ना, श्री जी की मालिश जब हो गई, बाद में जो बचे हुए तेल है, ये तेल बांटने की प्रसादी के रूप में कौन सेवा करते हैं? ये गंगाराम भाई भी करते हैं। और इसी समय पीताम्बर और लाल दासी भी आ जाते हैं, क्या धोती और बीजा और अलग आदि वस्त्र लेकर पीताम्बर भाई और लाल दासी आ जाते हैं। और गंगाराम भाई भगवान जी भाई जो गर्म जल है ने जलाया, क्योंकि सर्दी की ऋतु चल रही है ना सुंदर साथ जी, तो गर्म जल है उसी में मिलाने के लिए ठंडा जल लेकर कौन आते? गंगाराम भाई और ये भगवान जी भाई। और प्राणना जी जब स्नान करते उसी समय, देखो श्री जी जब स्नान करते उसी समय भी कन्नड़, गंगाराम, ताराबाई ये सब जिनना गाते हैं, अनिहारी अनिहारे जीलन रसु हामणारे आपण जिलसु वाला जीने संग रामत रमीने घेरे आविया रामत रमीने घेरे आविया कई पूर्ण थयो रंग रास आपण जिल सुवाला जीने सा सिराज कहे श्या माजी सुनो काई तमारा मन माजे हो। कोई मनोरथ बाकी हो तो राज जी क्या कह रहे श्यामा जी को, तो बोलिए मैं अभी मनोरथ पूर्ण कर दू। जीर्णा कहाँ हो रहा है? बंगला जी दरबार के सामने वहां जहां सेवा होती थी, तो यहाँ सखिया जीर्ण में गंगाराम, ताराबाई, कन्नड़ भाई ये जीर्णा गाते हैं। और मान बाई भी श्री जी को स्नान करने के लिए चौकी लेकर आती है, और रतन भाई भी उस चौकी के आगे एक छोटी सी पटली चौकी बिछाती है, और रामबाई श्री जी के आगे चंदन की खड़ाव लेकर भी आती है, क्योंकि अभी स्नान के लिए जा रहे। तो रतन बाई सबसे पहले उस चौकी पर चादर बिछाती है, और उसी पर वो पटली रखती है, और पावड़ा बिछाने की शोभा किसकी है? बिछाकर जो पावड़ा बिछाया है उसी पर खड़ाव रखती है कौन? ये रामबाई। और आगे श्री जी के स्नान करने के समय सुंदर सा जी अभी तरह जो हमारा बाथरूम बना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी वॉशरूम का बताया, अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से 400 साल पूर्व ये सुविधा नहीं थी, तो वहाँ शौचालय के देह क्रिया के जगह चारों ओर चंद्रमा बांधा जाता था, तो यहाँ भी श्री जी के स्नान करने के स्थान पर चंद्रमा सुंदरसा जी अभी हमारे पास 20 मिनट है, ठीक है 20 मिनट ले लूँ तो ये, क्योंकि तभी हम कल और परसों पहुंच पाएंगे। देखो ये लाइट थोड़ा
चलो देख लेंगे। सुंदर साहब जी ऐसा, हेलो हेलो, ऐसा करे कल सुबह भी करे शाम भी करे, कल दोनों टाइम एक दिन के रख लिए रख दे, परसों तो समाप्ति ही है, तो आप पूरी तरफ भी तक सुन पाओगे। और मेरे को दिख रहा है कि जो आ रही है सबके बहू, सबकी बहू घर में है, कोई किसी को मतलब अपने पर पूरा घर संभालना ऐसा नहीं है। चलो अंतिम फाइनल करेंगे, रहने दो, चलो हम चर्चा में आगे बढ़े। तो उसी समय लालदास भी साथ में रहते थे, कब अगले हम देखा कि श्री जी के स्नान करने के समय चंद्रबा तान्य की सेवा रतन बाई करती थी। कौन करती थी? रतन बाई करती थी। और मानिक बाई चौकी बिछाने की सेवा करती थी, और आगे श्री जी के लोटे जल भरकर प्रेम पूर्वक स्नान कराती थी। कौन? पानी का लोटा भरकर मानिक बाई श्री जी को स्नान कराती थी। इसी सेवा में लालदास भी सम्मिलित रहते थे, और छबिलदास वृंदावन दास स्नान करते समय श्री जी के अंगों को पहुंचने की सेवा, ये दोनों सुंदर साथ हाथ में रुमाल लेकर खड़े रहते थे। और इतना नहीं, लालबाई भी मग्न होकर रुमाल से श्री जी का शरीर पहुंचती थी। कौन है लालबाई? लालदासी की धर्म पत्नी। और लालबाई जी रुमाल लेकर आती थी, और बाई जी भी श्री जी के अंगों को उसी समय बाई जी भी पहुंचती थी श्री जी के अंगों को, और साथ में वो भी सेवा में शामिल लेती थी। सुंदर साजी श्री जी की चारों ओर घेर कर खड़े रहते थे, कुछ चलते थे कुछ फिरते थे। और श्री जी तब लोटा भरकर सामने ललिता सखी खड़ी है उसी पर ऐसे ही फेंकते थे। कैसे? श्री जी यहां स्नान करे, ललिता सखी पर लोटा पानी का भरा हुआ फेंकते थे। उसी समय ललिता का कपड़ा गीला हो जाता, भीगे हो जाते थे, और सुंदर साथ इतना जोर जोर से हंसते थे। सुंदर साथ जी ये कोई शंका या विकार या अवगुण वाली बात नहीं है, तो प्रेम से लबालब भरी हुई, ये तो एक लीला रूप में बता रहे ललिता सखी पर। क्योंकि श्री जी की दृष्टि जब मेरता में पड़ी ने, तब उसने अपना तन मन जीव और आत्मा सब कुछ नियोछावर कर दिया है। श्री जी के स्नान किए जल में, जब श्री जी का स्नान किया वो जल बह रहा है ने, उसमें शोभा दासी लोट पोट होते थे। देखो उसका दिल का भाव, देखो कैसे लोट पोट होते थे। और ऐसे ब्रह्म मुनि को, ऐसे परमहंसों को कुरान में ओलिया लीला दोष कहे खुदाई के, दोस्ती ओलिया लीला दोस्त कहे खुदाई के, बंदगी या की करो या खुदा की, बीच नाही तफावत। क्या बताया? कुरान में लिखा गया है कि ऐसे लोगों को क्या कहा गया? ओलिया लीला। कौन? जो ब्रह्म मुनि परमहंस सुंदर साथ, धामधरी ने बताया कि बंदगी उसकी करो या मेरी, कोई तफावत नहीं है। यहां इन ब्रह्म मुनियों की जो इंद्रियों की चाहना जिसकी मर जाती ने पूरी तरह वासना, जो हमारा शत्रु बनकर ये गुण अंग इंद्री देखो रे चलते सिर पर किए मार जी, ये हमारे दुश्मन है। तो इन ओलिया लीला किसको कहा गया? इन ब्रह्म मुनियों को। उसने अपनी इंद्रियों की चाहनाओं को, शत्रुओं को मार दिया है। इसी समय केशव दासी तारतम वाणी का उच्चारण करते हैं, और लालदासी कुरान का किसी आयत के रहस्य को स्पष्ट करते हैं। और पितामर भाई प्रेमदासी महाराजा छत्रसाल जी ये सब श्री जी को यहाँ अंगोछा दुशाला ओढ़ाते हैं, और आगे धामधनी रतनबाई के द्वारा बिछाए गए पावड़े पर चलकर दोनों चरण कमलों को नंगों से जड़ी हुई खड़ाव
लिए वल्लभ दासी भी वहां पावड़ा जब बिछाते कौन, रतन भाई। और वल्लभ दास नंगों से जड़ी हुई खड़ाव लेकर आते हैं और दीपा बेन भी पावड़ा बिछाती है और भोजन करने के समय जाते समय श्री जी इस पावड़े पर चलते हैं और बकाई बाई भी कई बार पावड़ा बिछाती है और श्री जी ऐसे प्रेम भरी चाल से चलते हैं और सुंदर साध भी उन्हीं को घेर कर ऐसे परम धाम की वाणी का मधुर गायन करते करते साथ में चलते हैं और दोने पतल जो झाड़ के पत्ते की होती ने दोने पतल ये बनाने की सेवा खेमदासी की रहती थी। श्री जी के थाल जब कहाँ से कोठा मंदिर से आते थे तब चार सुंदर सात ऊपर चंद्रवा तानते थे। अभी भी हम देखेंगे जब लोग मंदिर में आते कहाँ गुमर जी बंगला जी में तो कैसे आते, पूरी सुरक्षा के साथ आते हैं। तो ऐसे ही तभी भी चार सुंदर सात चंद्रवा तान के वहाँ वो व्यवस्था करने में पूरा दिल से भाव से तैयार रहते थे। और श्री जी का भोग है ने ये बड़ी एक चांदी की थाल बनाई गई थी, ये किसने बनाई थी, लालदास जी ने ये थाल बनाई थी लालदास जी ने। और बाई जी अपने हाथों से ये जल से ये थाल को पहले कटोरियों को सबको धोती है और रुमाल से पोंछकर श्री जी के सामने रखा जाता है। इन थाल में सोने और चांदी की मिलाकर 10 कटोरी, कितनी 10 कटोरी, एक एक जो चौपाई बोली जा रही है ने उस आपका चिंतन करिए, समय के हिसाब से मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर रही हूँ। 10 कटोरी रखी जाती थी, उसमें अनेक भात के व्यंजन साग तरकारी ये भोजन की जो जो सामग्रियां थी वो उसी में आचार अथाने रखे जाते थे। और सावधानी से सुंदर साध भी कैसे बरतते होंगे। और आगे दोपहर के समय श्री जी जब भोजन करने के लिए बैठते तो बाई जी थाल लेकर आती है और तुलसी रुक्मणी जो देखो यहाँ पर फिर तुलसी वहाँ गोदावरी बहन थी और रुक्मणी थी, यहाँ तुलसी और रुक्मणी आदि सखियाँ भी बाई जी को घेर कर आनंद मग्न होकर साथ में चल रही है। और श्री बाई जी भी आगे करना बाई पावड़ा भी जाए क्योंकि मेरी बाई जी उसने क्या भाव लिया करना बाई ने कि मेरी बाई जी जैसे श्री जी चलते थे तो पावड़ा बिछाते थे, यहाँ मेरी बाई जी परमधाम की श्यामा जी के स्वरूप में देख रहे तो चलो करनाबाई को विचार आया कि मैं पावड़े बिछाऊँ, उसी पर बाई जी चले। और बिहारी दास जी भी अपनी विशेष सेवा संभालते थे और बिहारी दास तखत पर गादी भी बिछाते थे, उस पर एक रेशमी चाकला गलीचा भी बिछाते थे और दोनों ओर दो तकिए भी रखे जाते थे। श्री जी चाकले पर आकर विराजमान हो जाते थे, उनके दोनों ओर हाथ पकड़कर बैठाने की सेवा कौन करते हमारे सुंदर साथ, एक ही ओर लाल भाई और दूसरी ओर धन भाई। देखो दोनों महिला सुंदर साथ, एक ही ओर लाल भाई दूसरी ओर धन भाई सेवा करते हैं। और इसी समय कन्नड़ बिंदा सम्मिलित साथ में रहते थे और गायन में प्रवीण कौन रहते थे, परमानंद जी, चतुर होशियार कौन, परमानंद जी। ये धाम धनी की वाणी बस पूरा दिन मेरे को भी कई बार याद आता कि चलो कोई चौपाइया गा दो, एक एक चौपाई में बस परम धाम की वाणी गाना, परम धाम की वाणी गाना। इतना नहीं गंगाराम जी तो धाम धनी पर अतुट विश्वास के साथ ये वाणी का गायन करते हैं। और मान भाई भी श्री जी के आगे चौकी रखती है और आगे जाल से बना हुआ एक रुमाल भी आगे बिछाती है। बस ये पेज पूरा कर दो ठीक है। और जयंतिका का सुंदरसा जी प्रमुख सुंदर साथ है, सब में प्रमुख सुंदर साथ है तो सब सुंदर साथ की वो सेवा करते हैं। और आगे सूरजमल भाई की सेवा है,
दिन रात जो रहते हैं क्या करते हैं, वो अलग अलग सेवा में शामिल रहते हैं और रुमाल कसीदल सिर पर मानिक बांधे कर है तो, और मानिक बाई आती है सिर पर, श्री जी के सिर पर चित्रकारी किया हुआ रुमाल रखती है और भोजन के समय लाल बाई भी चित्रकारी किया हुआ कसीदा वाला रुमाल रखती है और मथुरी बाई बहुत प्रेम पूर्वक गुलाब जल में भीगो कर श्री जी को रुमाल देती है। सुंदर सा जी एक एक सुंदर सात कितने प्रेम में डूबकर ये सेवा करते हैं और मथुरी बाई इमोती अपनी अपनी बारी में थाल लाती है और धनी की सेवा करती है। श्री जी भोजन करते समय बाई जी सेवा में हमेशा हाजिर रहती है, वहाँ पास में बैठती है और धाम धनी कभी भी कुछ भी चीजें मंगवाए तो बाई जी क्या करती थी, वो उठकर नहीं जाती थी और सुंदर सा जो आस पास में बैठे थे उसको सौंप देती थी कि जाओ श्री जी ने ये चीज मंगवाई तुम लेके आओ। तो श्री जी के दोनों बगल एक की ओर इधर की ओर, एक की ओर लालदास जी बैठते थे, दूसरी ओर केशवदास जी बैठते थे। भोजन करते समय सुंदर सा जी क्या दृश्य बना हुआ है बंगला जी दरबार का, उसी समय गोकुलदासी प्राणनाथ जी के समस उपस्थित हो जाते हैं और पूरे मन से हदीसों की साक्षी दे देकर तरह तरह की बातें भी बीच में किया करते। तो श्री जी भोजन आरोकते ऐसे नहीं कहते कि मैं तुम्हारी बात में ध्यान नहीं दूंगा, बीच में जवाब भी दे जाते हैं। भोजन करते समय पहले जो श्री जी की थाली में बचे हुए प्रसाद है वो किसको मिलता है, पहले महिला सुंदर सात को मिलता है। पूर्वाई रतनबाई मूंग लेकर आती है, धाम धनी की सेवा में बंधे हुए हैं क्योंकि मैं पहचान कर ली है। और सुबह सीताबाई प्रेमबाई भोजन करने के समय में ऐसे बहुत से सुंदर साथ आते हैं और धर्माबाई भी सेवा में धर्म का पालन निष्ठापूर्वक निभाती है। और श्री जी के दाएँ बाएँ खड़गो बाई हेमंत बाई भंडारीन भी बैठा करती है और कोई कोई वस्तु मंगाती तो मैं हमने अभी बोला आपको कि वो सीधी दौड़कर लाती है और वहाँ हाजिर करती है। और श्री जी के तख्त के नीचे हमेशा पिकदान रखे रहते हैं, ये सेवा कौन करते, संतदास और शंकर रजूरी। पिकदान जब खाना खा लिया फिर कुल्ला होता है तो कुल्ला जब श्री जी ने पिकदान में किया, ये सेवा उठाने की और छोड़ने की कौन करते हैं, वहाँ रखने की संतदास और शंकर हजूरी। इस सेवा में शंकर जी और राघव जी भी रहते हैं और पान के बीड़े में, किस सेवा में, पान के बीड़े में शंकर हजूरी और राघव जी भाई रहते हैं और शंकर जी के साथ में मुरलीदास भाई इस सेवा करते, पिकदान की भी करते और पान के बीड़े की भी करते हैं। और श्री जी के दोनों बगल लालदासी और केशवदासी बैठा करते और पूर्ण समर्पित होके कैसे चौपाइयाँ लिखते हैं, मैंने ये विस्तृत से आपको वर्णन कर दिया, इसी में हम आगे नहीं जाए क्योंकि वो प्राण स्वर अक्षरातीत को रिझाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त कितने सुंदर साथ है, मैं कितने का नाम लूँ, यहाँ मयाराम भाई आते हैं और गर्म गर्म चने लेकर भुने हुए और श्री जी को अत्यधिक स्नेह के साथ श्री जी के सामने चुटकी में रखते हैं और श्री जी उसमें से मयाराम भाई का भाव रखकर ये ग्रहण करते हैं। और सुंदर साथ प्रसादी बांटने में धाम धनी लाल बाई को देते, सब सुंदर साथ को लाल बाई प्रसाद पहुंचाती है। और सुपारी भोजन करने के बाद सुपारी कौन लेके आते हैं, गीगा बाई मानिक बाई ये सब बीड़ा के लिए सुपारी लेके आते हैं और प्रहलाद जी श्री जी की सेवा में पान का बीड़ा लेकर आते हैं। ये सेवा कल्याण जी भी पहले किया करते थे। उसी के आगे जब पान का बीड़ा अर्पित करने की सेवा प्रहलाद के साथ संपत भाई भी करते थे और बाई जी भी, देखो बाई जी भी पान के पत्तों की अच्छी तरह से पहुंचती है क्योंकि किसको देना है बीड़ा, मेरे प्रियतम प्राण नाथ को। और उसी के अंदर अभी की तरह कोई नशा वाली पदार्थ नहीं, ये तमाकू वो जो चलता है नशा वाले जो होते ना, ये तो जावंत्री इलायची ऐसे सुपारी ये सब चलता था। तो यहाँ बाई जी भी पूरे भाव से पानों का बीड़ा
तैयार करती है। मुकुंददासी भी परमधाम के ब्रह्म मुनि है, ये साथ में कपूरदानी रखते और पान के बीड़े के साथ शिव जी को कपूर भी प्रस्तुत करते हैं। कपूर क्या, वो एक जो हम जलाते ना ये कपूर ना, ये खाने का कपूर अलग आता है। और बाई जी जब पान का बीड़ा लगाकर धाम धनी के हाथों में देती है तो पान के बीड़े के साथ लौंग इलायची भी देती है और महाराजा छत्रसाल जी अपने हाथों से धामधनी को पानों का बीड़ा आरोगाते हैं। और फिर आगे आरोगत आनंद सो धामधनी प्रेम भरे भाव से ये पान का बीड़ा आरोगा और फिर माणिक बाई के घर पधारते हैं और वहाँ पावड़ा बिछाए जाते हैं। ऐसे पावड़ा बिछाने के बाद गंगाराम जी छड़ी लेकर शिव जी की सेवा में हाजिर रहते हैं और शिव जी भी प्रेम भरी आनंद में चाल से चलते हैं और सुंदर सत अति मधुर बातें भी साथ में जूथ में करते जाते हैं। जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं ने तो सब सुंदर सत एक की ओर हो जाते हैं और महाराजा छत्रसाल जी श्री जी का हाथ पकड़ लेते हैं, दूसरी तरफ लालदासी पकड़ लेते हैं और वापस लौटते समय कौन प्रेमदासी और लालदासी शिव जी का हाथ पकड़कर शामिल होते हैं और द्वारकादासी शिव जी की बहुत स्नेहपूर्वक ये शैया तैयार करते हैं। मैंने पहले विस्तार से ये सेवा बता दी, द्वारिकादास प्रेमदास नारायणदास ये सब सेवा में हाजी देते, क्या ये शैया बिछाने की सेवा में पलंग के चारों ओर पावड़े बिछाया जाता है क्योंकि पता नहीं धामधनी किसी ओर से अंदर आ जाए। तो यहाँ सुंदर साची संग जुथ सयन घेर के चले, सब श्री जी चलते हैं तो उसके साथ सम उनके घेर कर चलता है और परम धाम की वाणी गाते, वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, रास्ते में गाते जाते श्री राज रिजावत राज्य को रिझाने के लिए मीठे वचनों से सुंदर साथ परमधाम की वाणी गाते, कबू कबू रास की वाणी, कबू कबू खिलवत की, कबू कबू परिक्रमा सागर की सिंगार की के और सागर जो मेहर का सुशोभाति लेत, लहरे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। ऐसे कई बार सागर की भी वो साथ जी जागिए बताई देउरे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन, याद करो सोई साहित जो हंसने माग्या खेल, सो खेल खुशहाली लेके कीजिए उठी अब कीजिए केल। तो ऐसी वाणी गाते गाते सुंदर साथ जी प्रसन्न चित होकर बहुत प्यार से चलते हैं। बाई जी शिव जी की गादी के और तकिए रखने की सेवा भी करती है और धामधनी सुंदर साथ से अनेक रूप में क्या क्या ज्ञान चर्चा चितवनी आदि के माध्यम से, ऐसा नहीं कि हमने ही रिझाया, धामधनी ने भी ज्ञान चर्चा और चितवनी के माध्यम से सुंदर साथ को रिझाया। तो सुंदर साथ प्रियतम अक्षरातीत को चारों ओर घेर के जब सेवा करते हैं और श्री जी की प्रेम भरी चाल से पलंग पर जब श्री जी विराजमान होते हैं और अर्धांगिनी तेजकुरी जी उनके चरणों में प्रणाम करके वापस कोठा मंदिर में चली जाती है, तब दोपहर का समय समाप्त हो जाता है और तीसरे पहर का समय प्रारंभ हो जाता है। उसी समय सुंदर साथ प्राणेश्वर अक्षरातीत की किस प्रकार से सेवा करते हम कल देखेंगे। महामती कहे साथ जी ये बात बड़ी बुजरक, एक जरा में ने कह सकूं लाल कहिया गजे माफक। महामती जी कहते कि हे सुंदर साची धाम धनी की सेवा के द्वारा, धाम धनी को सेवा के द्वारा रिझाने की ये बात बहुत ही रहस्यमय है, महत्वपूर्ण है, गरिमामय है, मैं कितना इस झूठे वजूद से जूठी जुबान से कह सकूं, मैंने थोड़ा कुछ भी आपको बस ना कहूं इसे कहने का भला, तो मैंने कहा और मैंने अपनी बुद्धि के माफक कहा है। लेकिन आगे धामधनी ने बताया कि सुंदर साथ जी कल ये तीसरा पहर का वर्णन हम मैं कल सुनाऊंगा, ये महामती जी ने
अपनी अंतिम चौपाई में बताया। इतना कहकर यह वाणी को विराम देंगे और चौपाई दोहराएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ। चौपाई दोहराए सुंदर साथ जी। महामति कहे ये साथ जी, ये बात बड़ी बुजरक, एक जरा मैंने कह सकू। लाल कहिया गजे माफक, लाल कहिया गजे माफक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।